अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब वालेकुम खैरियत से होंगे। आज के हमारे सेशन में, सैटरडे के सेशन में जो है वो रिजवान साहब मौजूद है, मोहम्मद रिजवान, जो कि डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज़ हैं। तो उनसे मार्केट के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मार्केट ने इस वीक बिहेव करा उसके ऊपर जो है वो इनका एक रिव्यू लेंगे, और नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, कौन से सेक्टर्स लाइमलाइट में रह सकते हैं, उसके बारे में भी इनकी जो है वो राय जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम टू एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले रिव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। आई थिंक मार्केट ने मेरे ख्याल से कंसेक्यूटिवली अक्रॉस द वीक जो है ना एक अच्छा गेन पोस्ट किया था, और मार्केट तकरीबन कोई 1500 से 1500 से 1800 पॉइंट बढ़ के तो 49,400 जो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है थी पहले, उसको जो है ना उसने ब्रेक किया और मार्केट जो है ना उसको आगे आई थिंक क्लोजिंग कर चुकी है। तो मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम अभी भी नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक कुछ कुछ हाथ नहीं लगाओ बेटा, इस पे देखो तुम, तो लोगों का कंसर्न था कि जो है ऑटो सेक्टर हाथ जो नहीं है लगाओ ना अभी। क्यों माइक बंद कर दें, बीच में आवाज जो आ रही है ना। हाँ शर्जील भाई, सबके माइक ऑफ कर देना सिर्फ ओ आप। बाबा बाबा जी आप क्या कर रहे आप देखो हैं मामा क्या कर रही हैं, आप जाओ। शर्जील भाई? अच्छा, इसमें जो है जो हमने सेशन को देखा उसमें जो है मार्केट में जो है खास तौर पे ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जो है ड्यूरिंग द वीक एक अनाउंसमेंट आई अनएक्सपेक्टेडली, पार्क सुजुकी मोटर जो है अपने जो शेयर्स हैं वो बाय बैक करने जा रहा है, डीएस करने जा रहा है स्टॉक शेयर। इसकी वजह से जो है हमने एचकार में भी अच्छा मूव देखा, लोगों का इंटरेस्ट गंधारा इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल में भी आया। गंधारा ऑटोमोबाइल में भी ये हो रहा है कि चेरी की जो सेल है वो काफी मुनासिब है, उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इसमें, और बगैर इस न्यूज के आए काफी अच्छे से 43 का लो बनाने के बाद साजगार भी परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि हैवेल का जो रिस्पॉन्स है एसयूवी में काफी बेहतर और मुनासिब रहा है। इसके अलावा फिर उसके बाद जो है फिर बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बगैर स्टोरी की भी थोड़ा हमने इंटरेस्ट देखा, जैसे कि हमने मिलर ट्रैक्टर और अलगाजी और बाकी लोगों में भी देखा। ऑल्दो हुंडा के नंबर्स बेहतर हैं बट इतने फिनोमिनल नंबर नहीं है, वो बढ़ ज्यादा की है। और पार्क सुजुकी की जो है जो बाजार में कुछ हाउसेस की रिपोर्ट घूम रही है उसके हिसाब से इसकी जो बायबैक की वैल्यू बनती है वो तकरीबन 500 से लेके 800 के दरमियान निकलेगी। तो अभी ये स्टॉक परफॉर्म करता रहेगा, उसकी वजह से ऑटो सेक्टर अगली वीक में भी हमें लाइमलाइट में आता हुआ लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल जो काफी अच्छे से जो है एमर भाई ने रिक्वेस्ट भी की थी, और हम ये कह रहे थे कि जैसे जैसे आपका डॉलर स्टेबल होता रहेगा ये परफॉर्म करता रहेगा। अच्छा, इसके साथ कुछ ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसमें आपका लोड्स उसमें भी हमने इंटरेस्ट देखा, जब से अवान ट्रांजिट की वजह से हमने देखा है कि स्मगलिंग काफी स्लो हो गई है, उसकी वजह से पैंथर टायर और गंधारा टायर्स में भी हमने एक जो है रिबाउंड देखा, जिसकी वजह से दोनों स्टॉक परफॉर्म करते हुए हमें देखा। अगर इसके अलावा जो है कुछ हमने सेलेक्टेडली जो है जो प्योर इम्पोर्ट ड्रिवन स्टॉक से या जिनकी जिनका डायरेक्टली डॉलर खुलने से या डॉलर की वजह से इम्पैक्ट होता है, उसमें खास से पार्क इलेक्ट्रॉन भी हमने देखा कि पिछले वीक लाइमलाइट में था, और आने वाले दिनों में भी लगता है कि ये दोबारा से 10 रुपये से तकरीबन ये तो 12.5 12 रुपये हो चुका है, 12.5 रुपये, बट मुझे लगता है ये कि शायद ये और भी यहाँ से जो है 15 से 18 रुपये हो सकता है। बाकी इस पे टेक्निकल व्यू शेड्यूल वाइज शेयर करेंगे मेरे एंड करने के बाद। इसके अलावा जो है कुछ सीमेंट सेक्टर में मिक्स हो जाना था, बट डीजी खान चिराट इसके अलावा जो है गरीबवाल मैपल लीफ और पाइनियर जो हमें तो हमारे टॉप पिक्स में भी थे और हमें अच्छे लगते थे एज अ चेस सिक्योरिटीज, उनमें हमने इंटरेस्ट भी देखा और वो बड़े हैं, ऑब्वियसली उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है बट यस उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। इसके अलावा जो है ओवरऑल जो है फिर बाकी वो पीपीएल और होती लास्ट वर्किंग डे में एक्सपेक्टेड ये था कि इस वीक के एंड तक जब पेट्रोल प्राइसेस गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही होगी तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो गैस प्राइस वगैरह के ऊपर भी फैसला कर देगी, या हो सकता है कि मंडे को बात है। इसकी वजह से हमने लास्ट वर्किंग डे में ओजी और पीपीएल में भी एक अच्छा बायबैक एक अच्छा रिबाउंड हमने इसको देखा। इनिशिएटिव में मेरा ख्याल है मैंने अपने हिसाब से काफी हद तक इसको समराइज कर लिया है, बाकी अगर कुछ सवाल आते हैं तो उसमें वापस वापस जवाब देते रहेंगे। परफेक्ट परफेक्ट।
अच्छा, टेक्निकली अगर मार्केट को देखें तो मार्केट ने जो है वो लास्ट वीक, अच्छा इसमें हमारा एक एनालिसिस रहा था मार्केट के अंदर कि जब से मार्केट ने 44,500 का लो बनाया था वहाँ से एक रीबाउंड नज़र आया था हमें, तो वहाँ से उसके बाद हमारा ये मानना था कि 46,600 के लेवल्स के करीब मार्केट की काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रही थी। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ पे मार्केट ने इनिशियली रेजिस्ट भी करा, फिर वहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल जो है मार्केट के अंदर, एक अच्छा ब्रेकआउट जो है मार्केट के अंदर नज़र आया। तो उसके बाद हमारा यही व्यू था मार्केट के अंदर कि एक अच्छी बुलिश एक्टिविटी आप फर्दर मार्केट के अंदर जो है विटनेस कर सकते हैं। तो मार्केट ने वहीं से अपनी रैली को कंटिन्यू करा इस हफ्ते भी, और ऑलमोस्ट आप कह लेंगे जो प्रीवियस हाई था इसका 49,400 का, उसको ऑलमोस्ट आके अप्रोच कर लिया, इनफैक्ट उसको सरपास करके फ्राइडे को एक अच्छी स्टेबल क्लोजिंग दिखाई है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो मार्केट स्टिल लुक्स स्टेबल, जो कैंडल्स पे नजर आ रहे हैं, प्राइस एक्शन पे नजर आ रहा है, दैट दैट इज स्टिल प्रिटी मच डिसेंट, और लग ऐसा रहा है कि मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, अनलेस देर इज सम थिंग नेगेटिव दैट कम्स इन इन द मार्केट फ्रॉम यू नो इसराइल वार के परस्पेक्टिव से। तो अगर वहां से कोई चीज नेगेटिव आती है, या फ्राइडे को जो हमने देखा है कि गोल्ड ने रैली करा है ऑलमोस्ट 35 to 40 डॉलर्स, और क्रूड ऑयल ने रैली करा है ऑलमोस्ट 5 to 6% से, तो वो वहां से कोई इम्पैक्ट है तो वो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है कि वो उसका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, वरना टेक्निकली मार्केट जो है वो काफी स्टेबल लग रही है और अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं मार्केट के अंदर, तो एक अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो देखने में नजर आ रही है। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। जी मुश्तबा भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा रिजवान भी वही सवाल था एग्रो फूड के बारे में। इसकी मतलब मंडे को 1 बजे मीटिंग है, तो इसके मतलब रिजल्ट्स वगैरह की उस पर, जैसे लास्ट टाइम इसने 2 अपर लोग मारे थे, तो अभी भी कोई ऐसा सीन बन सकता है? एग्रो फूड का कोई फिनोमिनल रिजल्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लोग कि ये कंपनी जो है कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएगी, या कोई तो प्रॉफिट में तो होगी बट कोई बहुत फिनोमिनल रिजल्ट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। बट चार्ट्स पे मेरा ख्याल है चार्ट्स पे कोई व्यू बन रहा है इस पे शेड्यूल वाइज। चार्ट्स पे इस पे व्यू बन रहा था रिजवान भाई, जब इसने अपनी 57 की सपोर्ट को इसने अप्रोच करा था, तो वहां से एक बाउंस बैक नजर आया था, पर जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वहां से प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, और अब ऑलमोस्ट ही उसी सपोर्ट को वापस अप्रोच कर रहा है, 57 वाली सपोर्ट को। तो यहाँ से हो सकता है अगर रिजल्ट थोड़े बेहतर होते हैं तो सपोर्ट से एक बाउंस बैक नजर आए, इसके अलावा कोई ट्रिगर नहीं है इसके अंदर लास्ट मेरे। टाइम भी इसकी अर्निंग में बहुत अच्छी नहीं आई थी, आई थिंक 20-22% इसका मतलब ग्रोथ हुई थी ना क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, लेकिन फिर भी 2 अपर लोग मारे गया था ये। और वैसे ये वाला जो क्वार्टर होता है, ये जो भी एंड हो रहा है सितंबर वाला, इसके अंदर मतलब सबसे अच्छे रिजल्ट इसके इसी क्वार्टर के अंदर आते हैं एग्रो फूड। देखिए मेरे पास की आपको बताने के लिए स्टोरी तो है इसमें, लेकिन लास्ट क्वार्टर को बहुत शानदार अर्निंग नहीं है, 44 पैसे की अर्निंग है। तो अर्निंग वाइज ये तकरीबन कोई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर 18 के मल्टीपल पर चल रहा है। तो ये इसी सूरत में हो सकता है कि जिसकी जो सेल्स है ना उसमें कोई बहुत फिनोमिनल किस्म की ग्रोथ आता है तो फिर ये मल्टीपल जस्टिफाई हो सकता है, वरना आप ये 2 लॉक ऊपर के मांगे मारे गए या 3 लॉक नीचे के, इसको थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और चार्ट पे भी जैसे शर्जील बता रहे हैं वो तो खास नहीं होता। अरे इसमें स्टोरी ये हो सकती है कि हमेशा जो है एक लीन पीरियड होता है, इसमें जो है ना गाय वगैरह की ईद कम हो जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, वो शायद जून तक का होता है। उसके बाद के जो क्वार्टर होते हैं ना वो हमेशा बेहतर होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ईल्ड बेहतर हो जाती है, तो थोड़े से मिलके रेट वगैरह स्टेबल हो जाते हैं, तो मार्जिन थोड़े बेहतर हो जाते हैं। वो प्राइस टू अर्निंग की जैसे आप बात कर रहे हैं, वो तो वैसे लास्ट टाइम भी काफी ज्यादा पीक पे ही चल रही थी। तो यार एक्चुअली इसमें फ्लोट का मसला है, काफी ज्यादा फ्लोट इसमें कॉर्नर है, इसकी वजह से जो है ना अभी मैंने आपके साथ बात करते हुए इसकी बुक वैल्यू देखी है, 18 रुपए की बुक वैल्यू है, और अर्निंग के हिसाब से तकरीबन कोई प्राइस टू अर्निंग में 17 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो अगर थोड़ी ग्रोथ दिखाएगा तो ये अर्निंग सस्टेन करेगा, रेट सस्टेन करेगा, वरना थोड़ा इस पर प्रेशर आ सकता है। ये एक ही सूरत में बढ़ सकता है जो मैंने शायद अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है ना पीक हो जाए, और आपके इंटरेस्ट रेट जो है डॉलर नीचे आया ना ऐसी इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली तमाम फूड कंपनीज में इंटरेस्ट आ जाएगा। वरना अगर आज इस हायर इंटरेस्ट रेट पे लोगों को 19% 22% और 18% अगर मिल रहा है तो लोग क्यों ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हायर पी मल्टीपल में मिल रही है और कोई खास ग्रोथ भी कमिट नहीं कर रही।
एग्जैक्टली दैट वाज माय कंसर्न. थैंक यू बहुत बहुत. थैंक यू जी फरुख भाई। हाँ सलाम वालेकुम रिजवान साहब, ये लॉट केमिकल का अभी रिजल्ट आया था तो एक्सपेक्टेशन थी कि डिविडेंड भी शायद अनाउंस करे और रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन ये तो मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया और डिविडेंड भी अनाउंस नहीं हुआ, तो कोई आगे फ्यूचर. लॉट केम अगर आप इंस्टीट्यूट आके देखें तो हमेशा लास्ट क्वार्टर में अच्छा डिविडेंड देता है, दिसंबर होता है लास्ट क्वार्टर। अच्छा, और जो डील होने वाली थी इनकी वो भी मतलब हुई नहीं है या इनका अपकमिंग क्वार्टर में होने का चांस है? सर अपकमिंग क्वार्टर में ही हो सकती है, लेकिन डील जो है 9 मंथ्स में अर्निंग कोई बहुत शानदार तो नहीं है। क्वार्टर इनका नहीं, क्वार्टर 1 30 का है ना, तो 1 30 का मतलब हुआ 4.5 रुपए। हाँ तकरीबन समझ ले कि साल में 4 रुपए का डिविडेंड आ सकता है। और जो डील की बात है सर, वो तो साफ सी बात है, लकी केमिकल्स, लकी कोर जो है उसने लिख के दे दी है, तो अब डील तो होगी, लेकिन जैसी बात है जिस जैसे जैसे स्टेट अप्रूवल आती रहेंगी वो डील हो जाएगी। तो अभी प्राइस पे इसी प्राइस पे प्रिवेल करता रहेगा फिलहाल. मुझे 1 मिनट जरा इसकी करंट प्राइस बताएंगे क्या है? देखिए अराउंड 26 समथिंग है, 26 इसमें ना एग्जैक्ट. मसला, इससे मसला क्या है, अगर ये 4 रुपए की अर्निंग कमा रहा है और 4 रुपए मुझे पे आउट दे रहा है, तो यील्ड वाइज को बहुत लुक्रेटिव तो नहीं है ना केमिकल के जी अंदर। ऐसी बात है जो मार्केट का मल्टीपल होता है उससे एक डिस्काउंट होता है, बट जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल मार्केट में घूम रही थी वो लौटे की थी तकरीबन 35-36 रुपीज। तो यस, अगर किसी को टेंडर के व्यू से लेना है कि यार 2-3 महीने के अंदर टेंडर हो जाएगा तो फिर ये एक अच्छी बैट है, बट यील्ड वाइज कोई मजे की नहीं है। बट ये है कि आप 26 रुपए में लेते हैं, आपकी डाउन साइड लॉक हो गई कि 4 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा, फिर कॉस्ट हो जाएगी 22 रुपए। और अगर से 37 रुपीज या 35 रुपीज पर डील हो गई तो तकरीबन सीधे सीधे आपके 22 रुपए से तकरीबन कोई 12-13 रुपए का आपको इसमें रिटर्न बन जाएगा। तो आप 22 रुपए से अगर अपना रिटर्न निकाले तो मेरे ख्याल से मुनासिब मुनासिब मतलब रिटर्न हो जाएगा। विद इन 3 मंथ्स टाइम. क्योंकि टाइम लैग तो आप मुझसे इंसिस्ट करें, बट पाकिस्तान में क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल्स बहुत टाइम लग जाती है, कभी चीज 3 महीने में भी कंक्लूड हो जाती है और कभी इसमें 6 महीने भी लगते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर के रिजल्ट के साथ इसके साथ कोई ना कोई जो है ना डील हो चुकी होगी। ठीक है सर, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, पीएसएमसी के बारे में जो आपने बात की तो इसको मुसलसल लॉक्स लग रहे हैं, तो इसको कुछ मिलेगा चांस इसको बाय करने का या लॉक्स इसके ओपन नहीं होंगे अभी? सर मैं माजर, कौन सा नाम बता देंगे प्लीज? तैयब. हाँ सर तैयब साहब, वालेकुम सलाम तैयब साहब। बस पीएसएमसी अब लॉक लगेगा या ये खुल जाएगा, ये थोड़ा सा जो ना आई थिंक इस पे शर्जील भाई ज्यादा बेहतर रोशनी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जो फार्मूला ड्राइव होगा ना डीलिस्टिंग कमेटी की तरफ से, वो 500 रुपये से ऊपर की वैल्यू निकलेगी। अब हो सकता है कि यहाँ से लॉक लगते लगते 250 रुपये हो जाए, वहाँ पे जाके लॉक खुल जाए। फिर डीलिस्टिंग का प्रोसेस होता है 6 महीने का, 6 महीने तक जो है 250 रहे, फिर अचानक से जब इसकी बायबैक की प्राइस करीब आए तो ये बढ़ के 500 हो जाए। सही. अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई एंड ऑल मेंबर्स. और दूसरा क्वेश्चन रिजवान भाई, एसएसजीसी के बारे में कुछ बता दें, कैसा लग रहा है आपको? और देखिए एसएचजीसी के अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से हमने लास्ट अपने इसी रिकॉर्डिंग सेशन में एक चीज डिस्कस की थी कि एसएचजीसी के जो है ना लॉसेस काफी ज्यादा हैं, बट यस अगर इनको कैश फ्लो मिल जाते हैं, इनका यूएफजी कम हो जाता है, तो आने वाले दिनों में इनका रेट थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब यहाँ से 1500 रुपये तो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई एंड ऑल मेंबर्स. वालेकुम नैयर सलाम। नाम सर अपना स्टार्ट करता हूँ, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, नैयर बात कह रहा हूँ. कैसे हैं कैसे रिजवान हैं? भाई आप? ठीक वालेकुम है. सलाम जी। नहीं सर बिल्कुल खैरियत सर। सॉरी फॉर ज्वाइनिंग यू लेट, आई वाज इन फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई आई वाज स्लीपिंग इन फैक्ट. तो अच्छा, आप रिजवान भाई, ये जो है क्या नाम है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसका क्या नजर आ रहा है आपको? अगर गैस प्राइसेस इंक्रीज नहीं होती इमीडिएटली, एंड व्हाट अबाउट द मार्केट? अब इंटरनेशनली थोड़ा सा सिनेरियो टफ हुआ हुआ है, क्रूड ऑयल भी हाई कर गया है और
इसमें भी गोल्ड सिल्वर में भी काफी हाइक आई है बिकॉज ऑफ वॉर। तो आपको क्या नजर आ रहा है आगे सिनेरियो मार्केट में? गोल्ड से चलने की जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है या मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो आपकी रिसेशन हो, दुनिया में कोई ऐसे क्लास परफॉर्म ना कर रही हो तो उसको तो गोल्ड बढ़ता है, या फिर आपकी जो है दुनिया में जंग हो रही हो ताकि लोगों को लग रहा हो कि कोई भी ऐसी क्लास परफॉर्म नहीं करेगी, तो सूरत में भी गोल्ड की प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उस पर लोगों का व्यू बुलिश हो जाता है। तो इन सूरत में हाल में अगर आपकी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है जो आप इशारा करना चाह रहे थे, तब तो बिल्कुल ऐसे हालात हो सकते हैं। बट अगर आप एक रीजन तक कंसोलिडेट कर जाते हैं और ये पूरे रीजन में नहीं फैलती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें फिजल आउट हो जाएंगी। और जहाँ तक आपने गैस प्राइस की बोली बात, तो मैंने आपको शायद पहले ही शायद आप ही के सवाल पे पिछली रिकॉर्डिंग में या उससे पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था कि गैस प्राइस बढ़ना इनएविटेबल है। अब अगर आप इसको नहीं बढ़ाते तो आपका सेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकता। ओजीडीसी की बुक पे 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, पीएसओ की पीपीएल की बुक पे 500 अरब का सर्कुलर डेट है जो रिसीवेबल है फ्रॉम सुई साउथ एंड सुई नॉर्थ। तो अगर आप और सेल करते रहेंगे ये बढ़ता रहेगा, तो उनके लिए अपने ऑपरेशंस को रन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रिजवान भाई, मार्केट को आप फिर कैसा देख रहे हैं इस सिनारियो में? ये जो अभी वॉर का है सीन चल रहा थोड़ा सा, उसमें को अगर ये मार्केट पे इफेक्ट आ सकता है इसका? आई थिंक मार्केट पे इसका जीरो इफेक्ट आ सकता है। जो मार्केट पे जो है ना, सिर्फ एक ही चीज है जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है, वो है ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस जो है कहीं, उनके मुकाबले बैठे अजील भाई एक किसी को एक को म्यूट कर रहे हैं आप। अच्छा, जो है असल में जो है नियर बाई प्रॉब्लम ये होता है कि जो मार्केट है ना बेसिकली उसका इम्पैक्ट हमारा डायरेक्टली, क्योंकि वो हमारा नेबर नहीं है ना जहाँ पर जंग हो रही है, तो इतने दूर होने की वजह से हमारा डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है। सिवाय इसके कि अगर ऑयल प्राइसेस बहुत फिनॉमिनली बढ़ जाती हैं तो हमारा करंट अकाउंट दोबारा से जो है ना, जो अभी कंट्रोल्ड है, वो फिर दोबारा से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह से मार्केट में भी आप देखें, आप लोग ये सवाल दो तीन दफा कर चुके हैं, आप ही कर चुके हैं, अगर मार्केट ने जंग का इम्पैक्ट लेना होता तो मार्केट अब तक ले चुकी होती ना। मार्केट तो अपने नए हाई की तरफ जा रही है, इसका मतलब है मार्केट का डायरेक्टली कोई लेना देना है नहीं उस जगह से, इसलिए डायरेक्टली मार्केट जो है उस पर इम्पैक्ट नहीं ले रही। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू वेरी मच रिजवान भाई, इट वाज रियली नाइस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू एंड बंडल्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर वेरी वंडरफुल वर्ड्स सर। जी अस्सलाम रिजवान भाई, मेरा नाम सैयद रहमान है। रियान भाई, मेरा वालेकुम सवाल सलाम। साजगार के बारे में, साजगार की मूवमेंट के बारे में, और उसके उसके एकदम इतने बड़ी जो उसने मूव किया, तो उसका कुछ ओवरव्यू अगर आप दे सकें, मुझे वजह नहीं पता। अच्छा शर्जील भाई, ये काम कीजिएगा कि जितने भी लोग सवालात कर रहे हैं ना, तो इन सब पे जो जी है ना, पे ग्रुप पे जो है ना, आप इनको इनके चार्ट्स या जो भी जो उनके प्रीमियम मेंबर्स है ना, आप इनको चार्ट शेयर कर दीजिएगा। ऐसे अमीन भाई ने धन्यवाद। शर्जील का अपने साजगार का पूछा, इससे पहले जो है एक भाई ने फैसिन कंपेनिया का पूछा था, एग्रो फूड्स का, तो ये बस नोट करते जाइएगा। अच्छा सर, आपका साजगार का सवाल ये है कि साजगार पहले हैवेल जो है ना 1000 गाड़ी बेचते थे, 10 रुपए का इम्पैक्ट आ रहा था, और जो रिक्शे ये बेचते हैं उससे तकरीबन 2-2.5 रुपए 3 रुपए की अर्निंग थी, तो 14-15 जी रुपए की अर्निंग आ सकती थी। तो तकरीबन जो है उसपे आज के दिन में ये तकरीबन कोई अगर हम लगाएं तो 12-13 के मल्टीपल पे तो आराम से आ गया है, हो सकता है 150 रुपये हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा इसमें फिलहाल जूस होगा। सब्जेक्ट कि हैवल की सेल बहुत तेजी से बढ़ जाए और हैवल 2000-2500 गाड़ियां बिकना शुरू हो जाए, क्योंकि 1000 हैवल बिकने पर तकरीबन पे मोटा मोटा 10 रुपये का इम्पैक्ट है पर शेयर, और 3-4 रुपये तो रिक्शे से कमा रहा है। अच्छा, सही, शुक्रिया शुक्रिया साजा रिजवान भाई। जी जी रहान भाई, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रहान भाई, जी मेरा नाम रेहान है जी। अच्छा, एक तो ये कि आपको पता है ये मार्केट जो है ना ओवरबॉट एरिया में आ गई है, तो कहाँ तक आप समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस
एरिया जहां पे वाकई जाके कहीं रुकेगी या कंसोलिडेट होगी या नीचे जाएगी? तो ये सवाल पर्टिकुलरली शर्जील भाई से रिलेटेड है, बट मैं इसका जवाब अपने हिसाब से देने की कोशिश करता हूँ। मेरे जी हिसाब से जो है, जो बाजार में आई थिंक अगर हमारे सारे हालात ठीक हो जाए तो बाजार का रेजिस्टेंस कोई नहीं, बाजार को 1 लाख इंडेक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि बाजार इस वक्त 2.5 के मल्टीपल पे चल रही है। बट हो सकता है कि बाजार में एक सस्ती होने के बावजूद भी एक सर्टेन लेवल पर जाके लोगों को लगे कि ये चीज़ जो है यहाँ पर बेच दें, क्योंकि ये 100 रुपये की चीज 150 रुपये हो गई है, 250 रुपये हो गई है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा बहुत जो चार्ट समझ में आते हैं, बाकी इसमें शर्जील आपको बेहतर गाइड करेंगे। शायद 52,500 या 53,000 के लेवल पर जाके, मतलब 51 एंड अबव पे शायद थोड़ी सी सप्लाई साइड जो है ना स्ट्रांग हो सकती है। वैसे आपका पर्सनल मशवरा क्या होगा? मैं तो वैसे सोच रहा था नेक्स्ट वीक में जो है प्रॉफिट बुक करके और निकल जाऊं मार्केट से। देखिए, बात ये होती है कि बाजार में सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना इस वक्त इंडेक्स के लेवल्स नहीं थे, बाजार में ये था कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था जी बेसिकली, हाँ जी और डॉलर जो है ना हर गुजरते दिन के साथ जो है ना 340 350 के में ट्रेड हो रहा था। जब से SIFC में और फौज ने और बाकी इदारों ने ऑपरेशन किया तो डॉलर का रेट कंट्रोल हो गया। तो अगर डॉलर की सप्लाई साइड इसी लेवल पर रहती है और हमारे पास हालात इतने भी जो है वो भी रहते हैं, तो फिर आपका इंडेक्स हर साल बढ़ता रहेगा। फिर और अगर कोई करेक्शन फर्स्ट करें, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि मार्केट 55,000 हो गई और आप 55,000 पे फंस गए, तो अगर हालात ऐसे रहते हैं तो मार्केट में हो सकता है मार्केट 10 4 5 6,000 पॉइंट करेक्ट भी हो जाए, क्योंकि सही बस क्योंकि देखिए बेस बढ़ता जा रहा है ना। अगर मार्केट में जो है, अगर आप जो सारी जो थ्योरी टेक्निकली और फंडामेंटली देखें कि अगर मार्केट अपने आप को 10 से 15% या 20% करेक्ट करती है तो वो कोई एबनॉर्मल या कोई वो मंदी या कोई वो उसमें फॉल नहीं करता, क्या नाम है, करेक्शन में फॉल ही करता है वो, उसको जो है नॉर्मल करेक्शन कोर्स ऑफ करेक्शन ली जाती है। बट अगर मैं आपसे कहूंगा कि जी 50,000 का 10% तो बनता ही 5,000 पॉइंट है, तो 5,000 पॉइंट या 10,000 पॉइंट गिर गई, बाजार 20% भी करेक्ट हो गई, 8,000 पॉइंट करेक्ट हो गई, तो बेस भी तो बड़ा हो गया ना। तो सही उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि मार्केट कहीं 52-53 हज़ार के बाद जाके एकदम से 6-7 हज़ार पॉइंट करेक्शन ले ले। बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको जो है मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। मार्केट जो है सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से, चीजों के हिसाब से अभी इसमें बहुत जगह है। बाकी एग्जिट कहाँ निकलना चाहिए या कहाँ पर एग्जिट बनता है, उस पर मेरा खाते शर्जील भाई आपको बेहतर गाइड करेंगे। शर्जील भाई ये सवाल भी नोट कर लें। जी जी रजान। अच्छा, मार्केट में बेसिकली सिनारियो ये है कि मार्केट ने अपना 46,400 जो हमने डिस्कस करा था ना, वो लेवल ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रेट मूव शो करा है टुवर्ड्स दी अपसाइड। अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मार्केट का प्रीवियस हाई था, जो मार्केट ने अभी IMF पोस्ट IMF रैली में जो है लगाया था 49,400 का, वहां पे जाके रेजिस्ट कर सकती थी। लेकिन अभी तक जो चार्ट्स पे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मार्केट ने फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर तो हम प्योरली कैंडल्स को देखें तो मोमेंटम अच्छा है प्राइस के अंदर, फर्दर रैली हमें नजर आ सकती है, फर्दर इंडेक्स जो है हमें रैली करता हुआ नजर आ सकता है। और इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस अगले आने वाले हफ्ते में जो है वो 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट 50,400 से लेके 50,600 के अहम लेवल को जो है वो अप्रोच करेगी। वहां पे मार्केट का बिहेवियर जो है वो बहुत उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस लेवल को ब्रेक कर देती है मार्केट तो फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड, जहाँ पे मार्केट 52,000 से 53,000 के लेवल्स को जो है वो अप्रोच करती हुई नजर आएगी, वो देखने में नजर आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करती है, एग्जॉशन नजर आती है, तो यहाँ से फिर आपको एक रिवर्सल का सिनेरियो बिल्डअप होता हुआ जो है वो नजर आ सकता है, इन केस अगर 50,400 से लेके 50,600 के लेवल्स पे एग्जॉशन नजर आती है। तो ये शॉर्ट टर्म व्यू है अगले हफ्ते के हवाले से, और मे बी उसके अगले हफ्ते। अच्छा रिजवान भाई से एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह साजगार आगे बढ़ा तो मुझे लग रहा है कि रिस्पांस ऐसा है कि सारे ही ऑटो सेक्टर साजगार की वजह से ही बढ़ रहा है। अब जिस तरह MTL ने भी बढ़ना शुरू कर दिया तो उसका इम्पैक्ट है या वाकई मार्केट में इस तरह है कि यानी ऑटो सेक्टर साजगार की वजह से बढ़ रहा है या क्या सिलसिला, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि MTL तो पहले एकदम नीचे जाना शुरू हो गया था और फिर एकदम वो जैसे साजगार ने बढ़ा, ये PSMC के बढ़ना शुरू हो गया तो फिर सारे का सारे सेक्टर ही चलना शुरू हो गया।
वालेकुम सलाम। आपको कोई और सवाल है? पहले अपना नाम बता दीजिएगा मुखातिब करने के लिए। आई मेरा नाम डॉक्टर रेहान है जी। थिंक यहाँ सब मैंने शायद अपने स्टार्ट में ही जो है ना इंट्रोडक्शन में आपको ऑटोस के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया था, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी। आप वो मिस कर गए? हाँ सर, मैं ऐसा में लेट ज्वाइन किया मैंने। चले मैं आपको दोबारा से रीएक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये था कि पार्क सुजुकी ने जो है ना अनएक्सपेक्टेडली जो है ना बायबैक अनाउंस किया। पार्क सुजुकी की वैसे जो बुक वैल्यू है वो तो बहुत कम है, बट अगर आप जमीन की वैल्यू, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें कि आज अगर पार्क सुजुकी की जगह मैं हटाकर उस तो जमीन पे एक नया प्लांट लगाऊं तो कितने का बनेगा, तो शायद उसकी प्राइस जो है कोई 500-600 मिलियन डॉलर की होगी, जो कि आज के हिसाब से कोई 90 अरब रुपए बनती है। तो 90 अरब 100 अरब रुपए का जो प्लांट आप उसको पर शेयर में लगाते हैं तो वो तो तकरीबन 1200-1300 रुपये पर शेयर बनता है। अब चलो 1200-1300 रुपये ना भी दें, बट आप इसका 50% या 500-600 रुपये तो बनता ही बनता है ना, तो इसकी जो प्राइस आएगी बायबैक की वो कोई इस लेवल पर आनी चाहिए। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो बाकी जो स्टॉक्स हैं वो भी अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से, क्योंकि तो आज अगर मिलर ट्रैक्टर का प्लांट उखाड़ के मैं नया प्लांट लगाऊंगा 280 के डॉलर पे, वो भी बहुत महंगा होगा। सही। तो कुछ कुछ स्टॉक्स जो हैं इस वजह से परफॉर्म कर रहे हैं और करते रहेंगे। हो सकता है 150 रुपये का साजगार हो जाए, 180 का हो जाए, हुंडा कार 200 रुपये का हो जाए, 180 170 का हो जाए। रनी ऑन इंडस्ट्रीज कल से, गंदारा इंडस्ट्रीज कल से चलना शुरू हुआ ऑटोमोबाइल, वो हो सकता है 80-90-80 रुपये तक चला जाए। एक चीज जो सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा जो पूछना बनता है, आई थिंक फार्मास्यूटिकल में भी जो है ना कल से रैली होना स्टार्ट हुई, जिसपे एक भाई ने सर्ल का सवाल पूछा है। मुझे लगता है सर्ल के अंदर अर्निंग तो नहीं है, बट हाई नून सर्ल शायद 50 रुपये का हो जाएगा, और आने वाले दिनों में फिर उसकी जो प्लांट एक्सपेंशन वगैरह की वजह से जो अर्निंग आएगी वो एक अलग बात है। बट आजकल फिरोज में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, कहने के वो कोई मॉलिक्यूल उस पर काम करें इंजेक्टेबल्स पे, इससे तकरीबन जो है उसकी अर्निंग कंसोलिडेट बेसिस पे अभी के ऑपरेशन में बाकी मिला के 17-18 रुपये हो जाएगी। तो शायद वो ये 70 रुपये का रेट जस्टिफाई कर सकता है। आई थिंक फिरोज हो सकता है, हाइनून हो सकता है, एबट हो सकता है, हेलियन हो सकता है, जीएसके सीएच हो सकते हैं। ये सेक्टर भी आपको अगले हफ्ते में परफॉर्म करते हुए देखेंगे। जहां तक स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब है ऑटोस में, तो उसमें मुझे लगता है कि मिलर ट्रैक्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे तो बढ़ सकता है, और आने वाले दिनों में अगर आप एक चीज देखें पाकिस्तान में जिस तरह से डीवैल हुआ है, आपने एग्रीकल्चर साइड पे भी प्राइस सपोर्ट पर बहुत ऊपर रखी है। गन्ने की देख लें, कॉटन की देख लें, वीट की देख लें, तो उसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर रिजर्व बंपर हुआ है। तो ट्रैक्टर सेल्स जो है ना वो मुझे लगता है कि इम्पोर्ट जैसे ही आपका ईज हुई है तो वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल में आप कौन सा अपना मशवरा दे सकते हैं, यानी किसमें अगर अगर क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी स्टॉक की बात करेंगे तो हाइनून होता है, इसकी यील्ड और इसकी अर्निंग ग्रोथ अनमैचेबल है, ठीक है। हमेशा से हम बुरे से बुरे और अच्छे अच्छे हालात में उसने अच्छा ग्रोथ किया। उसके बाद CPHL है नंबर 2, नंबर 3 हेलियन है, बहुत महंगे मल्टीपल पर है, पर मल्टीनेशनल है, फूड का सॉरी कंज्यूमर का एक्सपोजर ज्यादा है, आई थिंक वो देखा जा सकता है। तीसरे नंबर पे कौन सा स्टॉक है? एजीबी और का अब तो बता। एजीपी, आई थिंक एजीपी बेहतर है, सेल से बेहतर एजीपी है, अर्निंग वगैरह बेहतर होगी इसकी। मैंने ब्रॉडली देखा है सेक्टर जो मेरी प्रेफरेंस है, जिसमें आई थिंक आपको हाई नून, CPHL और दूसरा हेलियन वगैरह, वो मैंने पर्सनली देखा, बट हेलियन की अर्निंग इतनी मजे की है नहीं, मल्टीपल बहुत हाई है, बट एक जमाने में 50 के मल्टीपल पे भी ट्रेड होता था। लेकिन उस वक्त ये होता था कि गोरा इसमें बायर था, तो उस वक्त ये 50 के मल्टीपल में लेता था। अभी कंज्यूमर का जो है ना इस तरह से बूम आया नहीं है कि ये 50-50 के मल्टीपल फार्मास्यूटिकली ऑटोस ट्रेड करें, तो मुझे लगता है कि इतने हायर इंटरेस्ट रेट पे कि जो भी ऑटोस में रैली होगी उसमें वन शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि अगर कोई इस ऊपर के लेवल पे फंस गया तो उसको फिर दोबारा बारी आने में टाइम लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत माशाल्लाह, तफसील से आपने समझाया, इस वेरी नाइस, बहुत अच्छा है वो आपने दिया। आपकी बात से हाइनून मैं यही समझाऊं कि हाइनून और सरले, दैट्स इट, यानी जो और हाइनून और सिटी फार्मा का मैंने सर्ले, तो मैंने कहा कि जी अच्छा सिटी जी सर जी, सी मैंने बेसिकली सर्ल का कहा कि सर्ल स्पेकुलेटिवली है, तो ये अच्छा टेक्निकली मैं देख रहा था कि
3850 पे इसकी जो मूव बनती है ना अगली, वो 52 रुपीज बनती है। तो आपको ट्रेड करनी हो तो आप कर लें। अभी फिरोज में भी कल से वॉल्यूम आना शुरू हुआ है, फिरोज में ये स्टोरी आ रही है, तो ये भी तकरीबन 25-30 रुपए यहाँ से बढ़ सकता है, आप फिरोज में भी कर सकते हैं। बट जो अर्निंग वाइज मुझे लगता है कि जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें हाई नून है, उसमें CPHL है, सेल वगैरह थोड़े से शेडी कंपनीज है, एक तो स्पॉन्सर भी थोड़ा सा शेडी है, और दूसरा ये होता है कि कभी अर्निंग दिखाई नहीं, तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे चल रहा होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट अभी फॉरन से बेचकर ना, शायद फरवरी मार्च में जाके जो है ना डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आए, तो ऐसा ना हो कि आप इस लेवल पर, इस रैली में, अक्टूबर में फंस जाए और फिर आप नवंबर दिसंबर तक वेट करें रेट होगा। ठीक है, मैं सब में फिरोज के अंदर जो है ना 140 की प्राइस पे एंटर होने का सोच रहा था, वो एकदम 170 हो गई, तो फिर मैंने कहा ये रिस्की हो गया। लेकिन आपके जहन में ये कि फिरोज में अभी 30-35 और बढ़ने के चांसेस हैं, अभी स्टिल है देखिए उसमें। देखिए मैं आपको बताऊं, फिरोज के अंदर जो है ना तकरीबन 17-18 रुपए की अर्निंग आ जाएगी, बट ये मेरे हिसाब से और भी अभी भी महंगा है। आप 140 के लेवल पर जो देख रहे थे उसमें जो है कोई इतना नेगेटिव, मतलब उस लेवल पे बुरा नहीं था। अच्छा मैं आपको ना आज आप सबके लिए एक मजे की चीज बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ना सबसे सबसे जो बेसिक रूल है ना वो ये है, ये समझ लें कि हर चीज हमेशा बहुत महंगी है और हर चीज हमेशा बहुत सस्ती है। ये सही सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होती है। मतलब आज जो है मारी जो है 1500 रुपए का है, शायद लोग जो है, जो रिटेलर है, उस तरह से देखते हैं कि यार 1500 रुपए का स्टॉक है, ये और कितना पड़ेगा। अगर आज आप इसकी अर्निंग 1000 रुपए कर देना तो मैं अपना सब कुछ बेच के से मारी लूंगा 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए, क्यों? सही क्योंकि 5 के मल्टीपल पे 5000 रुपये बनता है। और आज अगर 400 रुपए की 450 रुपए की अर्निंग पे 3 के मल्टीपल पर, पहले 3 का मल्टीपल लगा ले, 3000 रुपये होगा ना, तो मैं 1500-1600 रुपये तक मैं बाय रहूंगा इसमें। अब ये सब्जेक्टिविटी ना अर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है और फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है। कल को अगर जो है ईफर्ड अर्निंग नहीं दिखा रहा था 56 रुपये था, आज 6 रुपये के डिविडेंड पे 90 रुपये हो गया है। आपको 68 था 3 महीने पहले, सही आज कंसिस्टेंट पे आउट की वजह से 90 रुपये। तो अब ये जो सब्जेक्टिविटी ना, कुछ महंगी और सस्ती नहीं होती है। आपका फ्यूचर आउटलुक क्या है उस कंपनी के ऊपर, और दूसरा ये है कि आपको बेसिकली उस कंपनी की अर्निंग आउटलुक और फ्यूचर और डिविडेंड क्या लग रहा है, तो वो सब देख के इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें। अगर क्योंकि देखिए ना, आज आपको महंगी लग रही है, कल को मार्केट 53,000 हो गई, तो आप लोग क्या काम नहीं करेंगे, या उस वक्त सजेशन आप नहीं मांगेंगे? हाँ उस वक्त भी सही काम, उस वक्त भी काम करेंगे। मतलब आज 2017 में जब मार्केट 54,000 थी, और जब इस बात की 1000 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, और लकी 1000 रुपये का था, तो उस वक्त भी तो कोई बायर था ना मार्केट में। तो ये सब्जेक्टिव चीज है, आपको बेसिकली जब आपकी कॉल उल्टी हो, अगर आपका माइंडसेट एक ट्रेडर वाला है और आप ट्रेडर की तरह काम करते हैं, और आपको कहीं स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, तो आपको स्टॉप लॉस पे ना रिजिड नहीं, वो नहीं होना चाहिए कि नहीं स्टॉप लॉस वेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर 900 रुपये का PSMC 100 रुपये हो जाता है ना, तो पैसे 9 टाइम्स छूट भी जाते हैं। अगर सही आपने 900 रुपये पे लिया है विद अ ट्रेडिंग कॉल, तो फिर आपको कहीं ना कहीं 850 पे, 890 पे निकल भी जाना चाहिए था ना। तो इसका मकसद ये, आपको बताने का मकसद ये है कि मार्केट में रेट और मार्केट की प्राइस डायनेमिक है, हर दिन व्यू के हिसाब से चीज सस्ती भी है और चीज महंगी भी है, क्योंकि सही हर लेवल पर, हर लेवल पर, आज नहीं मतलब ये तो आप समझ लें 54,000 के लेवल पे भी जो है ना, बल्कि हायर लेवल पे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होते हैं, और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं जी इतना काम हो रहा है, अब तो जो रिटेलर माइंडसेट है कि अब तो इतना, इतनी वॉल्यूम आ रहे हैं, इतनी ट्रेड हो रही है, अब तो ये मार्केट कहीं नहीं जाएगी, अब तो सारा, हर बंदा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इतने स्टेक्स हाई हो गए, अब तो मार्केट से ऊपर ही जाएगी, और वहीं से मार्केट गिर जाती है, और फिर लोग कहते हैं यार ये काम ही गलत है। सही तो इस सेशन का मकसद भी यही था रखने का, कि भाई लोगों को पता चले कि क्या क्या चीजें होती हैं जिनको देखकर काम करना चाहिए, और जिस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, मतलब आप एक थीम प्लेयर हैं तो उसको फॉलो करें, और अगर आप टेक्निकल को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें, जिसको फॉलो करें उसको रिलीजियसली फॉलो करें। अच्छा रिजवान भाई, मैं डॉक्टर हूँ। एक आपने एक ये स्टार्ट किया है कि मैं इसमें सर्जरी की यानी बिजी बहुत होते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हम मैं किस स्टाइल, क्योंकि डे ट्रेडिंग इज रियली डिफिकल्ट, पेशेंट्स होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो मुश्किल हो जाती है काफी। देखिए मैं आपको हमेशा से यही, मेरा तो एक तरीका ये है कि आपके पास कम से कम 2 महीने 3 महीने के या साल के होराइजन पे कोई चीज़ आपको समझ में आती है। जैसे आप डॉक्टर हैं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने
शिफा एक जमाने में लोग 300 रुपये पे, 350 रुपये पे लेते थे, आज 14 रुपये की 9 मंथ्स की अर्निंग आ चुकी है, लोग नहीं लेते, 200 रुपये पे डेट हो रहा है। तो आप इसकी इन एंड आउट ज्यादा समझते हैं, तो अगर आपको जो है लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपने अपने पोर्टफोलियो में देखें, ये जरूर देखना पड़ता है कि किसका क्या व्यू है। अगर आपका व्यू है कि भाई पाकिस्तान मुझे जो है ना बेसिकली ऐसा स्टॉक चाहिए जो मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड लेते हैं, तो उसकी सिलेक्शन ये होगी कि आप बोलेंगे भाई मेरे पास सबको होना चाहिए, पीपीएल होना चाहिए, मारी होना चाहिए, मेरे पास निजान बैंक होना चाहिए, बैंक अबीब होना चाहिए, मेरे पास एमसीबी बैंक होना चाहिए, यूबीएल बैंक होना चाहिए, मेरे पास जो है ईफर्ट होना चाहिए, और मैं बेसिकली रोज देख ही सकता तो मेरे पास ये होगा, और जो मेरे पास डिविडेंड इनकम आएगी उसको मैं री इन्वेस्ट करता चला जाऊंगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, और उसमें होगा ये कि बहुत फिनोमिनल गेन आ गया, आ गया, आपको लगा कि आज जो है अच्छा, ये भी सब्जेक्टिव रिलेटिव काम होती है, अगर 22% इंटरेस्ट रेट है और 22% यील्ड है और कल को इंटरेस्ट रेट 12% हो जाएंगे तो ये रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो उस सूरत में आपको उसको बेचना नहीं है, भले आपका 50% गेन क्यों ना आ जाए। फिर आपको ये देखना होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, अगर हालात लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे तो फिर आपको होल्ड करना है, आपको लग रहा है नहीं इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएंगे तो फिर आपको उसको ट्रिम करना चाहिए या फिर आपको उसी पे बैठे रहना चाहिए ताकि एटलीस्ट आपको कुछ रिटर्न आ जाए। तो ये है सिंपल स्ट्रेटेजी जिसको जो है आप फॉलो कर सकते हैं। और तो इस तरह के कितने स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? एटलीस्ट अगर आप 1 मिलियन का आपका वो है बजट, देखिए 1 मिलियन या 100 मिलियन, ये तो फिर क्लाइंट को वेरी करता है, बट आई थिंक मिनिमम आपके पास 4 होने चाहिए और मैक्सिमम स्टॉक 10 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये मशवरा फिर मुझे शर्जील देंगे या आपसे लिया जा सकता है? ठीक सर एज अ ब्रोकर आप हमारे पास अकाउंट खोल लें तो हम भी आपको गाइड करते रहेंगे जे सिक्योरिटीज में, और दूसरा ये होगा कि शर्जील भाई तो ऑब्वियसली अवेलेबल है ही आप लोगों को गाइड करने के लिए, तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप भले से जो है मुझे उनको रेस करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है अप्रोप्रिएट टाइम में आपको एड्रेस करें, इसमें मस्ते कॉल कर लें। उस मेरे साथ तो इशू ये है कि AKD में मेरा खुला हुआ है लेकिन मेरी वाइफ ने खुलवाना है, तो वो मैं ले सकता हूँ फिर मतलब? एनी टाइम सर, एनी टाइम। एक्चुअली देखिए मसला ये होता है कि हर बंदे का देखिए ऑब्वियसली हमारी जो कोशिश होती है तो एक सेशन है जो कि सिर्फ जुम्मा सैटरडे को हो रहा है, लेकिन ऐसी बात है जब आपके पास आपका अकाउंट भी हमारे पास होगा तो हमारी जो है अगर आपको सवाल रेस कर रहे होंगे ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग द मार्केट टाइम तो हम उसको जवाब देते हुए हमारा भी इंसेंटिव अलाइन होगा, तो जैसे आपको समझ में आए आप अपनी वाइफ का अपना अकाउंट चाहे तो बुक कर लें, तो ऑब्वियसली फिर शर्जील भाई को और हमें सर्विस करते हैं और भी मजा आएगा, बट ऑब्वियसली सैटरडे का सेशन तो हम आपके लिए है ही है, आप जो भी जिस भी हाउस में है वो आए आके सवाल पूछें, वी आर हियर टू आंसर यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छी एडवाइस दी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम रिजवान भाई, मेरा नाम है मलिक आमिर सर, कैसे हैं आप? और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत शुक्रिया सर। और सर मैंने आपके एनालिसिस देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक तो ठीक चल रही हैं। तो मेरा अभी दिल कर रहा है कि मैं आपकी चेस सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करूं। मोस्ट वेलकम सर। तो सर उसका अभी असल में मैं हूं कुवैत में, तो मेरा रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ कनेक्शन है फाउंडेशन एज वालों का, फाउंडेशन सिक्योरिटीज के, पहले अस्करी था। तो सर उसका आसान हल ये है कि सर जब वो आप जो है ना अपने ऑनलाइन अकाउंट में जाकर रोशन डिजिटल में उसमें चेस सिक्योरिटीज फाउंडेशन को क्रॉस करके दोबारा से चेस सिक्योरिटीज को क्लिक कर दें, तो सारा का सारा जो है आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो चेस के साथ हो करेगी। सर काइंडली मुझे कोई ना हेल्पर दें, कोई असिस्टेंट दें अपना,
जो मुझे गाइड करे। मुझे ना सीडी वो फाउंडेशन सिक्योरिटीज वाले कुछ बताते ही नहीं है कि कैसे जाएं अरे किसी, मैं क्योंकि उनका तो दिल निश्चय नहीं। जी भाई, वो जो हमारे एक ग्रुप बना हुआ है ना, इनका नंबर नोट करके ना उस ग्रुप में जी डालते हैं। आई थिंक जो भी रेलेवेंट ऑपरेशन ला लेना, वो फिर इनसे बात कर लेंगे। जी सर, अच्छा सही हो गया सर। और मैंने सर पूछना था सीमेंट अब रुक जाएंगे कि चलेंगे? सर ये सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसका सवाल का जवाब ये है कि सीमेंट जो है अभी तक चले ही नहीं है, जिस हिसाब से चलना चाहिए। और हमारी जो जो टॉपिक्स थी उसमें आई थिंक हमने आपको पहले भी चिराड, पाइनियर, मैपलीफ और ये कहा था। तो मैपलीफ थोड़ा सा चला, 27 रुपये से 33 हो गया। 27 तारीख को कंपनी का बायबैक ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और हमने तकरीबन 10 करोड़ शेयर खरीदने, जो कि 100 मिलियन शेयर बनते हैं। तो अगर मैपलीफ आपको 28-27 से स्टार्ट होगा, तो ये जो है तकरीबन आपका हो सकता है कि 45 रुपये हो जाए। तो अगर मैपलीफ बढ़ेगा तो उसके पीछे सारी ही सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर जाएंगे। तो सर गैस प्राइसेस जो इंक्रीज होंगी तो वो इनको हिट नहीं करेंगी? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई यार। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी वजह ये है कि जमाना हुआ, इन्होंने अपने आप को जो है गैस से कोयले पे शिफ्ट कर लिया कोल था। बेकार, हाँ, लेकिन कोयले का कोल भी साढ़े तो महंगा हो रहा है। 300 डॉलर से घर खिड़की 100 डॉलर हुआ था, या 98 हुआ था, अभी 130 है। बट अपने हाई से तो अभी भी आधा है ना। अच्छा, और दूसरी बात सही ये है। है कि ये तो रिचर्ड वे का आप रेट दे रहे हैं ना, बट रिचर्ड वे के अलावा जो है ये तो अफगानी कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, या दरे का कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आज भी जो है काफी तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये पर टन पे मिल रहा है। तो उसके दो फायदे होते हैं, एक तो एलसी नहीं खोलनी पड़ती तो डॉलर पे आपको प्रेशर नहीं पड़ता, और दूसरा है कि सारी पेमेंट लोकल हो रही है। तो जो नॉर्थ के प्लेयर हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनमें तो हालात काफी बेहतर हैं और आगे भी बेहतर ही लगते हैं। तो अगर आपका एक्सपोजर मैपल लीफ में, पाइनियर में, या आपका जो है चिराट में एक्सपोजर है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपके पैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे। फिर अगर अभी नहीं, 3 महीने 6 महीने में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर ये सेक्टर और ओवर परफॉर्म करेगा। अच्छा सर, एक गल और पूछनी थी। ये तो जो है बैंकिंग सेक्टर, इसमें आगे हबीब बैंक नहीं चल रहा, वो 2-4 दिन से यहीं पे रुका हुआ है। तो दूसरे बैंक थोड़ा बहुत, MEBL ने अच्छा परफॉर्म किया, बैंक अल-फलाह भी ठीक है। सर, इसका जवाब ये है कि हबीब मेट्रो अस्करी बैंकल हबीब, ये वो हिडन जेम है जो यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर देगा। अस्करी की तकरीबन 12 रुपए की अर्निंग आ जाएगी, 3-4 रुपए का पे आउट आ जाएगा दिसंबर में, और 12 और तकरीबन ट्रेड कर रहा है 16 रुपए। तो बहुत अच्छा बैंक है, लेना चाहिए। इसी तरह से जो ना बहुत सारे बैंक है, एमसीबी बैंक है, वो बुरा नहीं है। यूबीएल की तकरीबन अगले पूरे साल में 40 रुपए का पे आउट आ जाएगा। इसी तरह से जो है मीजान बैंक का तकरीबन जो है कोई 40 रुपए की अर्निंग आ जाएगी और 20-22 रुपए का पे आउट आ जाएगा। ठीक है, अल्फला बैंक की ठीक तकरीबन समझ लें कि 10-12 रुपए का आराम से इसका भी साल का पे आउट आ जाएगा। तो है। ये अच्छा यील्ड वाइज अच्छा ना बहुत जबरदस्त रेटों पर ट्रेड हो रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में भी जो है कोई बुराई नहीं है, सिवाय इसके कि आजकल बातें होना शुरू हुई है कि बैंक में शायद रीस्ट्रक्चरिंग ना हो जाए, डेट रीस्ट्रक्चरिंग ना हो जाए। अगर डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो गई बैंक में, तो सूरत में फिर जो है पूरी मार्केट में एक फ्लड गेट खुल जाएगा और तबाही आ जाएगी। क्योंकि फिर बैंक जब बिकेंगे तो लोगों को जो है डर होगा कि जो पैसे उनके कैश बैंक में रखे हैं कहीं वो भी सेफ है कि नहीं है। तो इस तरह की अच्छा बातें हो रही हैं, अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। बट यस, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। अगर ऐसा ना हो, बट अगर ये होता है तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव है। बट अगर नहीं होता तो फिर तो ये बैंक जो है ना, जिस रेट पे मिल रहे हैं उसमें यील्ड प्ले पे बहुत सस्ते हैं और आगे भी बहुत ग्रोथ है इनमें। सही बात। अभी वो जो पावर सेक्टर है, ये इसमें लाल पीर अच्छा डिविडेंड देता है, तो आगे चल के भी इसका फ्यूचर ब्राइट है? चार सावर ले लें आप, या हफ्तों ले लें। लाल पीर में जो जूस था ना, वो निकल गया और प्राइस भी बढ़ गई है। अच्छा, जो ओके ओके ओके, यानी निषाद पावर भी। निशात पावर या हफ्तों ले लें, या निशात चुनिया पावर ले लें, तीनों में से जो भी एक समझ में आया ले लें। सर निषाद चुनिया पावर ने 2-3 दफा धोखा दे दिया है, डिविडेंड नहीं दिया पूरे साल में।
सर वो आपको हो सकता है 3-4 दफा और भी धोखा दे दें, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, बहुत कैश लेके बैठे हैं, इतना कैश लेके जाएंगे कहीं नहीं, इवेंचुअली पे करेंगे। हाँ ठीक हो गया सर। वैसे निषाद पावर में ज्यादा कैश है, चुनिया पावर में कम है, बट ग्रुप वाइज जो है ना निषाद चुनिया पावर की नियत हमेशा बेहतर रही है पे आउट करने में। तो आने वाले दिनों में भी आपको जो है जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें सही होंगी सर्कुलर रेट के हवाले से, आपको निषाद पावर और चुनिया पावर बेहतर सोर्स है। और जो लोग अभी भी कैपको को अच्छा समझते हैं उनके लिए क्या मशवरा है? के लिए ये मशवरा है कि वो कैप्टन के हक में दुआ दुआ किया करें, कैप्टन हमेशा अच्छा रहे। तो कैप्टन के अंदर कोई ऐसा मैंने ऐसी हालत की थी कि जो है इसके पास अब इनका पीपी एक्सपायर हो चुका है और इसका जो है कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ, इनका टेक और पे पर भी है, टेक और पे पर होगा। टेक और पे का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होगी ना तो वो स्टैंड बाई पे ही रखेंगे अपने प्लांट को, गवर्नमेंट इनको बोलेगी और फिर ये चलाएंगे प्लांट और उसके बाद जो है ना उसको पेमेंट हो जाएगी। बट एक पहले होता क्या है कि आपके पावर प्लांट में ना दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक कैपेसिटी पेमेंट होता है कि आपने हर वक्त अपने प्लांट को रेडी रखना है ऑपरेशनली, गवर्नमेंट का जब दिल चाहेगा वो आपसे और ऑर्डर करके बिजली बनाना शुरू कर देगी, उसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट ना बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होता है टैरिफ का। अभी भी जो हम जो बिजली पे कर रहे हैं ना उसकी वजह से महंगी बिजली से पे कर रहे हैं, कि जो आपके सीपैक के थ्रू प्लांट लगे हैं ना उन सब में जो है ना ठीक ठाक कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई है हमारी, तो उसकी वजह से हम काफी महंगी बिजली दे रहे हैं पे खरीद रहे हैं। तो जैसे जैसे कैपेसिटी पेमेंट नीचे आएगी आगे चल के आपके बिजली के रेट भी 4-5 सालों में कम हो जाएंगे। अच्छा इस पे कैपको में ये खत्म हो चुका है, पैसे पड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको कहीं री इन्वेस्ट कर दें, अगर नहीं कर पाए तो फिर वो पे आउट करेंगे और कोई हल नहीं है। लेकिन अब इसमें क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं है, तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होगा इसका, तो यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे कैपिटल गेन बनाना या कैपिटल गेन करना। अच्छा, तो आपको ने अभी 6 रुपए दिए हैं, कम दिए हैं, लेकिन ये है कि कई कह रहे हैं इसका बाइंग लेवल जो है ना 65 रुपए 66 रुपए है, इसका बाइंग लेवल 70 के आसपास लेना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे भी बुरा नहीं है, यहाँ से हो सकता है नीचे आए ही नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से मलिक आमिर साहब मेरे बहुत डिटेल से डॉक्टर साहब को जवाब दिया था कि स्टॉक के आगे आउटलुक को देखना चाहिए, कोई रेट सस्ता और महंगा नहीं होता। 65 रुपए के जी आश्रय आश्रय में जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब 25-30 रुपए कंपनी पहले पे आउट नहीं करती थी जो 65 रुपए हो जाती थी, अब 25-30 रुपए का पे आउट है, 30% की यील्ड है, तो वो कंपनी अगर जिससे आपको लगता है कि 65 रुपए का लेवल है तो बैठा रहे बैठ के 65 का वेट कर ले। अगर कभी हो सकता है कोई क्राइसिस आ जाए कोई ऐसी चीज दोबारा पाकिस्तान में, तो बस चाहिए कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोई क्राइसिस आ जाए तो हो सकता है 65 रुपये उसकी बात सही हो जी जाए, हाँ बट वैसे तो जो हालात चल रहे हैं जो डायरेक्शन है उसमें तो नहीं लगता, उसमें तो लगता है शायद 120 रुपये हो जाएगा पहले। अब सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था। मार्केट ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसने बहुत पॉइंट्स ऊपर गए हैं। अब डर ये लग रहा है कि कहीं इसमें बड़ी करेक्शन ना आ जाए मंडे को। देखिए ये जो सवाल बहुत तफसीलन जो है ना शर्जील भाई देंगे, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। उसमें मैंने आपको ये बताने की अच्छा कोशिश की थी कि आप सब लोगों को कि देखें मार्केट जो है ओवरऑल अगर हालात ऐसे रहते हैं, मार्केट हमारी 40,000 पे थी कि मार्केट में लोग डिफॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब जब वो फेयर की थी ऐसा खत्म हुआ है तो लोग जो है मार्केट को आने वाले दिनों में बेहतर देख रहे हैं, उसमें शायद मार्केट 53,000 हो जाए 55,000 हो जाए, और उसके बाद क्या होगा उसके बाद फर्दर तेजी होगी जब इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया। तो सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर मार्केट ये स्टॉक की बहुत सारी जो फंडामेंटल एनालिसिस जो टेक्निकल एनालिसिस की किताबें हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कहते हैं कि अगर एक हेल्थी मार्केट के लिए अगर मार्केट 10 से 20% की करेक्शन ले रही है तो ये हेल्थी साइन है, इससे ज़्यादा मार्केट करेक्ट हो जाए यानी कि 30% 40%, तो वो फिर आपकी क्राइसिस या जो है जिसे वो कहते हैं क्राइसिस को एक वर्ड कहते हैं ना मार्केट बिल्कुल डूब गई इस तरह का वर्ड यूज करते हैं उसमें होता है, तो अब मार्केट का बेस बेस बहुत बड़ा हो गया है, 50,000 रुपये अगर 10% मार्केट करेक्ट करेगी तो 50,000 रुपये 5,000 पॉइंट बनते हैं, तो 5,000 पॉइंट पे बहुत सारे लोग बोलेंगे डर गए मर गए बर्बाद हो गए, बट मार्केट का एक फर्ज करें एक गाड़ी है उसमें आप इग्निशन दबाते हैं तभी वो चलती है ना, तो एक प्रोसेस है, तो मार्केट का भी एक प्रोसेस है।
मार्केट कभी भी एक साथ ऊपर नहीं जाती, पहले ऊपर जाती है फिर अपने आप को करेक्ट करती है, फिर कुछ लोग उसमें बुक करके साइड को हो जाते हैं, फिर कुछ नए लोग इंटर होते हैं और फिर मार्केट नए हाई की तरफ जाती है। तो बिल्कुल ये फेज है, ये आ सकता है, मंडे को आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो है इस पे ये कहना कि ये मार्केट से महंगी हो गई है, मेरा ख्याल से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट अभी बहुत सस्ती है, बट मैं ये नहीं बता सकता कि मार्केट कल गिरेगी या परसों गिरेगी या तरसों गिरेगी या कभी भी नहीं गिरेगी और बढ़ती रहेगी। तो आई थिंक अच्छे स्टॉक्स में, यील्डिंग स्टॉक्स में, ग्रोथ स्टॉक्स में, मतलब आप इसकी मिसाल ये है कि एक साहब ने भी दीवान फारूक मोटर का पूछा है, दोराई साहब है। तो अब मैं दीवान फारूक मोटर बंद प्लांट है, 52 रुपये का डेट है उसके ऊपर, 52 रुपये से इक्विटी माइनस है। अब एक बंदे ने 6 रुपए पे लिया, उसने पैसे बना लिए, तो वो तो कहेगा यार मुझे तो किसी प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा जीतता हूँ। बट इन रियलिटी अगर दीवान फारूक मोटर में आज को 17-18 रुपए फंस जाए और ये डिफॉल्टर काउंटर में आता है, यार इसका बायबैक अनाउंस तो ऐसे ये परफॉर्म कर रहा है, तो अगर ये खबर नहीं होती, बायबैक अनाउंस नहीं होता, तो फिर ये कंपनी में आप फंस चुके होते और आप फिर परेशान होते। कैसे कि 17-18 रुपए पे टेलीकार्ड में लोग फंसे हुए हैं, जैसे कि 2800 रुपए पे लोग फ्लाइंग से फंसे हुए हैं। तो आई थिंक बहुत सारी कंपनीज की हिस्ट्री है जिसमें लोग ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं इस तरह की स्टोरीज में और फिर परेशान होते हैं। अच्छी कंपनी हो तो फिर भले वो करेक्शन ले ले पर रेट आता है। दूसरा एक और चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा था कि अब ये जो सवाल है ना, जैसे पास जो भी किसी इसमें सवाल ये, हाँ इसमें सवाल मेरा ये है कि सर इसमें मेरा एक आपको तजिया है या एक अपना एक्सपीरियंस है वो ये कि अगर आपके पास जो है कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हमें पीएसएमसी का पहले से पता चल रहा था, या पीएचडीएल जिसने 800 रुपये में अपना रीजेंट प्लाजा बेचा है एस आई यू टी को, अब ये सारी ना एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, अगर आपको पहले से पता होता तो फिर क्या ही बात थी। बट ये होता है कि अगर आप तरीके से अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो करेक्शन से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा करेक्शन के बाद उन्हीं चीजों के रेट आते हैं जिसके अंदर फंडामेंटल वैल्यूज या फंडामेंटल चीजें इंटैक्ट रहती हैं। जी राय साहब का सवाल है या किसी और का सवाल? सर, आपके साथ अकाउंट खोलते हुए गाइडेंस मिलती रहेगी साथ साथ। जी मैंने नोट करवा दिया है ऑपरेशन टीम को, शर्जील भाई, और वो ऑपरेशन टीम आपको फॉलो कर लेंगी, बेफिक्र रहें। चलें, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर रिजवान भाई, मेरे इसके दो सवाल हैं। एक पहला सवाल ये है कि चेस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज लिमिटेड का लोकेशन किधर है, कराची में है या फिर किसी और कंट्री है, किसी और सिटी में? दूसरा सवाल थोड़ा सर पर्सनल एक है। चीज इंटरप्ट करना चाहूंगा, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करा लें क्योंकि मुझे नहीं मैंने समझ में आ रहा था। सैयद रहमान, सॉरी सैयद रहमान सर, सैयद रहमान साहब जी, वालेकुम सलाम जी, अब बोले। जी। मेरा दो सवाल है। एक सवाल पहले ये कि चेस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज लिमिटेड की लोकेशन किधर है, कराची में या फिर लाहौर में? दूसरा सवाल ये है कि थोड़ा पर्सनल सवाल है कि मुझे मैं कुछ ब्रोकरेज फर्म से, मैंने पहले एक फर्म में था, तो ब्रोकरेज फर्म में से लिंक था, उसमें थोड़ा मुझे इश्यूज हुआ पर्सनली। दूसरे ब्रोकरेज फर्म में मुझे थोड़े इश्यूज आ रहे हैं जिसमें मैं अभी करंटली हूँ, तो अगर मैं आप लोग की ब्रोकरेज फर्म में ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ पे पोर्टफोलियो वाइज प्रेफरेंस देते हैं? मतलब अगर मेरा छोटा पोर्टफोलियो है तो मतलब मुझे कम प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर अगर मेरा बड़ा पोर्टफोलियो तो मुझे प्रेफरेंस दी जाएगी? थोड़ा मुझे अगर आप इस पर गाइड कर दें, मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है? अच्छा ये सवाल था, और तो सवाल है आपका? बस यही दो सवाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ शायद लोगों का परसेप्शन ये है कि आप ब्रोकर के पास अकाउंट खोलेंगे, वो आपको पैसे बनाएगा, शाम को आपके पॉकेट में पैसे रखेगा और आप घर चले जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हम बेसिकली आपको अवेयरनेस दे रहे हैं ना, बेसिकली मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ शर्जील भाई आपको रोज, आई थिंक आप किसी ना किसी उनके प्रीमियम ग्रुप में ऐड हैं, जब भी तो यहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी सर्विस है का पार्ट है कि आपको जो है मैं मेरी एक्सपर्टीज जो है वो मैं आके आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जल्दी को आपको टेक्निकल दे रहे हैं। हमारा काम जो है ना आपको गाइड करना है, डिसीजन आपका है। ओके आप उस डिसीजन में अरबों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, दैट इज योर मनी, वी आर नॉट शेयरिंग एनी सिंगल पैनी फ्रॉम योर साइड। तो हम आपको अच्छा गाइड
करेंगे, उसमें आपके सवाल का जवाब देंगे। डिसीजन आपका है, आप हमको 60 रुपये पे लेते हैं, या अभी जो सवाल किसी ने पूछा था कि 60 रुपये पे लेते हैं या 90 रुपये में अच्छा लगता है, या आपकी कॉल है, हम आपको टाइमली अपडेट देते रहेंगे, अभी टूरिस्ट को रिजॉल्व करते रहेंगे, और यही सर्विस हम अपने गाँव के एंड को देते हैं। आप कभी भी सवाल उठाएंगे, ऑब्वियसली कोशिश करेंगे वक्त कम से कम वक्त में आपको उसका जवाब दे दिया जाए, और आई गेस यही होता है। अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि कोई ब्रोकर या शरीफ भाई उसके पोर्टफोलियो को लेंगे, खुद चलाएंगे और उस पर पैसे बना के देंगे, तो ये मेरे ख्याल से गलत कॉन्सेप्ट है, इसको दूर कर लें। हमारा काम, हमारा प्राइम, दुनिया में ब्रोकर का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, हम तो फिर भी आपको जो है ना एग्जीक्यूशन के अलावा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं, बट आपको लेना है नहीं लेना है, किस रेट पे लेना है, दैट इज प्योरली योर कॉल। क्योंकि शर्जील भाई भी जो है जो कॉल 100 कॉल देते होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ कॉल गलत भी तो होती होंगी ना, तो अब उसमें कहेंगे जी ये शर्जील भाई आपने इस कॉल को गलत निकाल दिया, तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देना है, वो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे, उसमें आपको कोई कमी लगती है तो आप प्लीज हमें हाईलाइट करें। मेरा सवाल गाइडेंस से ही ले रहे, शुक्र आप तो सही जवाब मिल गए, क्योंकि मुझे गाइडेंस से ही थोड़ा इशू है, मुझे गाइडेंस नहीं मिलती, और गाइडेंस नहीं मिलती तो मैं ट्रेड कर लेता नहीं देखिए, बात ये होती है कि अब गाइडेंस का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप शर्जील भाई को या मुझे सुबह 9 बजे फोन करके कहेंगे कि जी आपको का रेट 90 रुपये चल रहा है, क्या ये रेट सही है, मैं बाय कर लूँ। अगर हमको एक ब्रॉडर व्यू बता दिया गया कि यार हमको अच्छा स्टॉक है, 90 पे लें, 80 पे लें, या 90 पे लेके 80 हो जाता है और आप ले लेते हैं, तो आपकी जो है ना जब तक कॉल इंटैक्ट है तब तक ये चीजें ठीक है। अगर आप हर मिनट में ये चाहते हैं कि यार आप बाय कर रहे हो 90 रुपये पे, और आपको शर्जील भाई भी कॉल करके बताएं, रिजानी वाले भी बताएं कि क्या 90 का रेट ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं ना। ये तो वो हो गया कि मैं आपके हाथ से पैसे लूं, अपने पास से खुद लगाऊं, और जब शाम को वो 91 या 92 पे बिक जाए तो मैं आपको बोलूंगा पैसे बन गए, अब दुरहमान भाई आप पैसे ले जा सकते, ऐसा नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट जो है ना मिसकंसेप्शन को सही करने की कोशिश करते हैं, कि हमारा मकसद गाइडेंस है, दे दिया कि 90 रुपये पे अच्छा है, आपने शर्जील साहब का पॉडकास्ट सुन लिया आज का, कल का, या कल जो गाइडेंस हम देंगे कि भाई ये स्टॉक हमें इस हफ्ते के अच्छे लगते हैं, अब वो सही गाइडेंस को लेके आपने अपना डिसीजन यूज करना है। क्योंकि वी आर नॉट फंड मैनेजर्स, वी आर नॉट फंड मैनेजर्स, वी आर जस्ट ब्रोकर, वी आर एडवाइजिंग यू, वी आर नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। ये एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के जहनों में कि ब्रोकर जो है या जो एडवाइजर होगा वो उनको ट्रेड कराएगा, ट्रेड नहीं कराएगा, वो उनको एडवाइस अच्छी करेगा और लेवल्स बताएगा कि ये अच्छे हैं, बाकी लेना लेना उनका अपना काम। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू। जी मुश्ताक भाई, ने मुतबा भाई का हाथ पहले का खड़ा हुआ था। अच्छा मेरे ख्याल से एक और साहब हैं, वड़ाइश साहब, आपका भी क्वेश्चन है तो आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम, जी वड़ाई साहब, कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल चाल है सर? अच्छा ठीक है आपकी। अल्लाह का शुक्र है वैसे। अच्छा सर, मैं बेसिकली बिल्कुल न्यू इस फील्ड में, मुझे तकरीबन 1 मंथ, वैसे मैं इसको ऑब्जर्व करता रहा हूँ मार्केट को, तो अभी लास्ट मंडे को मैंने इसमें अपने 4 लाख रुपया डाला था। बेसिकली मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ था DFML के बारे में, और मेरी पहली एंट्री भी DFML में ही थी। किसी साहब ने मुझे कहा जी कि ये शेयर ऊपर जाएगा, और मैंने 16 रुपये पे उसमें एंट्री ली थी। तो लास्ट पूरा मैंने उसमें ट्रेड भी किया और वो पैसे निकाले भी। हेलो जी सुन रहे, सुन रहे बोले। जी बड़ा साहब, थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है आपके माइक से। जी अभी आ रही है आवाज आपको? जी अब क्लियर है, अब बेहतर है। जी, लास्ट वीक में मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जो ट्रेड किया है वो DFML में किया और लॉर्ड्स में किया, और उसमें से प्रॉफिट भी निकला है। तो अभी मुझे काइंडली आपसे एडवाइस ये चाहिए थी कि थोड़ा, एक तो DFML के बारे में आपने थोड़ा सा तो बताया, इसका थोड़ा टेक्निकल अगर बता दें, क्योंकि मेरे पास सारे शेयर्स पड़े हैं 17.80 की एवरेज पे, तकरीबन 15,000 शेयर पड़ा है मेरे पास अब, तो इससे एग्जिट लेने का निकल सकता हूँ जाऊंगा या क्या, और कोई और किस तरह मुझे 4 लाख की इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से शेयर्स रखने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा पोर्टफोलियो मुझे थोड़ा समझा दिया अगर। लेकिन जी अमाउंट वाइज 4 लाख हो या 4 करोड़ हो या 4 अरब रुपए हो,
उसका ताल्लुक जो है इन्वेस्टमेंट से नहीं होता। आप अपना सवाल पूछोगे आप माइक म्यूट कर दें। तो उसमें जो है इसका ताल्लुक इससे नहीं होता, ताल्लुक इस बात से है कि आप बेसिकली किसी शॉप में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि DFML, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू माइनस है, जिसके अंदर अर्निंग नहीं है, जिसके अंदर इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक ट्रक आके बिकेंगे और उससे जो है वो सेल करेंगे। तो जब वो आके बिकना शुरू होंगे, उसकी मार्केट बनेगी, तभी आप उस कंपनी के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि इसकी कितनी अर्निंग आएगी। अभी तो कंपनी बंद पड़ी हुई है, बंद कंपनी का क्या रेट होना चाहिए ये मुझसे और आपसे बेहतर, मतलब एक नॉर्मल आदमी बता सकता है कि एक मिसाल है कि आप फर्ज करें माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, तो अगर आपको जो है 27 लाख रुपए में मैं आपको बोलूँ यार एक काम करें, वो सामने पीछे जो है इस्लामाबाद में एक गाड़ियों का गुस्सान है, वहाँ से कोई भी कबाड़ी वाली गाड़ी उठा लो 27 लाख रुपए की, तो आप बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने 27 लाख रुपए दिए हैं, आप मुझे कुछ अच्छी गाड़ी दें चलती हो, करोला हो, GLI हो या कोई और अच्छी गाड़ी हो। अब आप ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने कहा कि नहीं यार मुझे जो है DFML की सस्ती मिल रही है तो मैं उसको ले लेता हूँ, भले वो जो है कंपनी बंद पड़ी है तो क्या हुआ। तो बेसिकली इसीलिए लोग जो है लॉस करते हैं और जो है फिर वो दिल बर्दाश्तों पर चले जाते हैं। इस वक्त तो मार्केट का मोमेंटम तेज है ना, तो आप जो भी उठाएंगे कल को आप जाके कोई भी स्टॉक उठाएंगे वो पैसे बना के निकल जाएंगे, बट मार्केट में ऐसे फेजेज आते हैं जो रिसेंट डेज में रहे हैं कि जिसमें मार्केट परफॉर्म नहीं करती, मार्केट जो है खड़ी हो जाती है, उस सूरत हाल में आपको इस तरह के स्टॉक काफी तकलीफ दे सकते हैं। बाकी जहां तक आप आए हैं आपने उसके पैसे बनाए हैं अच्छी बात है, मार्केट सस्ती बहुत है, आई थिंक लोड्स की जहां तक आप बात करें वो अच्छी कंपनी है एंड आई थिंक बहुत डिस्काउंट रेट पे ट्रेड हो रही है, तो हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में 10-10 रुपए की छपे हुई ट्रेड करना कर रही हो, तो ये रेट बुरा नहीं है, 7.5 और 8 के दरमियान का जो रेट है। सर ये एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का सवाल क्लियर हो, सवाल हो चुका है वो अपने हैंड को जो है ना, अगर हैंड रेज हुए तो उसको उसको जो है डाउन कर दें प्लीज, हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज, ताकि हमें पता चल सके कि आप रिजवान भाई, हाँ जी, वो ठीक। जी जी वो मेरा असल में उस टाइम माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो मैंने सवाल पूछना था। हेलो, जी, मैं सुन रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा था ये आपके चेस सिक्योरिटीज के अकाउंट, आपके चेस सिक्योरिटीज के अकाउंट के अंदर प्रॉफिट ऑन अनयूटिलाइज्ड फंड्स लग रहा होता है? एक्चुअली हमने ना करंट अकाउंट रखा हुआ है और उसमें ये होता है कि हम क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप बेयर मिनिमम फर्स करें, आपने 10 लाख रुपए डाल लें, छोटी सी आप 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके उस अकाउंट को एक्टिव कर लें, फिर आपकी जब से जब आपका इरादा हो, हमारे पास ऑनलाइन तकरीबन कोई 7-8 बैंक में अकाउंट है, तो आप हमें ऑनलाइन फंड उसी पर ट्रांसफर करें और जो है हमें जो है वो कर लें, हम बेसिकली अनयूटिलाइज अमाउंट पे, क्योंकि हमारा PLS अकाउंट है ही नहीं ना, हमने रखे करंट अकाउंट है सारे बैंक्स में, तो इसलिए हम अभी तो ये फैसिलिटी ऑफर नहीं कर रहे, बट यस हमारा आने वाले दिनों में इरादा है कि कुछ अर्से के बाद जो है हम इस क्लाइंट को ये सर्विस ऑफर करना शुरू कर देंगे, बट अभी फिलहाल एज वी स्पीक हमारा करंट अकाउंट है, तो किसी को भी सर्विस ऑफर नहीं कर रहे। अच्छा, इसी से मेरा सेकंड सवाल है कि सम ऑफ द ब्रोकर्स ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये करंट अकाउंट का आपका इसके पीछे क्या रीजन होती है? क्योंकि एक मुफ्त का गेन मिल रहा है ना, तो वो व्हाई नॉट अवेल दैट? आप ये सवाल किस हवाले से कहना चाह रहे हैं कि हमने करंट अकाउंट क्यों रखा है या हाँ हमने, जी अच्छा हमने करंट अकाउंट बेसिकली इसलिए रखा है कि हमारे पास जो है जो बिजनेस रिलेशनशिप बैंक के साथ है, करंट अकाउंट पे ऑब्वियसली जब उनको प्रॉपर्टी देना होता है तो हमारे कुछ उनके टर्म इस तरह के हैं जिसकी वजह से हमने करंट अकाउंट रखा है। हाउएवर हमारा इरादा जरूर है हम आगे चल के इस इशू को अपने क्लाइंटों के लिए करंट अकाउंट से PLS कर देंगे, बट अभी हमारा फॉरन कल आज मैं आपको बोलूँ और कल आके आप कहेंगे PLS अकाउंट नहीं है तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम क्लाइंटों को इंकरेज करते हैं कि आपके पास अगर थोड़े से 1-2 लाख रुपए के जो आपने शेयर खरीदे हैं वो आप शेयर वहाँ छोड़ देंगे, तो जैसे ही आपके पास फर्दर कोई आपकी चीज आती है वो कर लें। देखिए क्योंकि दो तरह की चीजें होती हैं, ये सवाल तो आपके टॉपिक से हटके है बट मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ कि शायद रेलिवेंट होगा। हम बेसिकली जो पॉडकास्ट कर रहे हैं या आपके साथ सेशन कर रहे हैं उसका मकसद क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में आए और आप बेसिकली जो है इन्वेस्ट करके कुछ पैसे बनाएं अपने लिए, और आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका जो सही तरीका है वो हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं एज पर आवर बेस्ट नॉलेज।
तो अब ये जो पीएलएस वाली चीज है ना, ये थोड़ी सी मुझे से रेलेवेंट लगती है कि आप हम चाहते ही नहीं है कि लोग हमें पहले पैसे देते हैं। अगर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हो, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हो, आपको इन्वेस्ट ना हो रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर तो आप हमारे हमें पैसे ही क्यों दे रहे हैं? आप पैसे उठा के ले जाए अपने बैंक अकाउंट में, जहाँ पर आपको रिटर्न मैसेज डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन वो पैसे आपके पड़े हुए होते हैं, समटाइम्स डेली बाइंग की डेली होता है, डेली सेलिंग का डेली होता है, समटाइम्स वैसे ही पड़े हुए होते हैं ना पैसे, तो उसके ऊपर एक गेन मिलता रहता है, उसके लिए मैं पूछ रहा था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब, लेकिन मैं आपको ये तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बेसिकली आप मुझे कहते हैं यार T+2 पे मेरे पैसे आ गए, आप मुझे T+5 पे या जब भी आपको टाइम मिलता है आप ईमेल डालते हैं कि जी मेरे पैसे आइडल पड़े हुए हैं, काइंडली ट्रांसफर दिस टू माई रेलिवेंट अकाउंट। ऑनलाइन का जमाना है, हम आपको अगले दिन पेमेंट आपको आपके अकाउंट में दे देंगे, फिर आप बाइंग करें। बट ऑब्वियसली कोई कोलेटरल होना चाहिए ना। लेट सपोज हाँ आप बाइंग करेंगे अगले दिन, तो हम आप हमें बाय कर लें और उससे अगले दिन आप हमें पेमेंट ऑनलाइन करवा दें, तो इसमें आपके पास भी जो आपका पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। बट मेरा अपना ख्याल है कि देखें, अगर आप ट्रेडिंग, से समथिंग फील आउट मुश्तबा, इसमें ऐसा है कि अगर आपने इंटरेस्ट ही खाना है तो फिर बिजनेस का कोई वो नहीं रह जाता, ये इंटरेस्ट में आ जाता है आप जो बात कर रहे हैं, और इट इज रियली अगेंस्ट द बिजनेस के आप इंटरेस्ट जो है ना वो खाएं। सूद वैसे ही हराम है और क्या। नहीं, भी एक मुफ्त का मैं तो कह रहा हूँ ना, एक अलहदा पड़ा हुआ उसके ऊपर गेन मिल रहा है। ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर अकाउंट में पैसे इसलिए रखें क्योंकि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो आपके पैसे पड़े हुए होते हैं ना उसके ऊपर बात। नहीं, मैं दोनों का सवाल समझ गया। काइंडली सब लोग जरा म्यूट कर ले ताकि मैं जवाब दे सकूँ। अच्छा देखिए, इसमें देखिए आपका जो सवाल है ना, आई गेस ये सवाल था जासिर साहब का, तो मैं देर साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे सपोर्ट करने के लिए जो है आके जवाब दिया। प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस करने में प्रॉब्लम ये है कि हम बैंकिंग के शेयर भी सेल कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये अलग डिबेट है कि चीज़ हराम है हलाल है। ऑब्वियसली जिसको नहीं है, जिसको हलाल हराम का करना है तो वो बेसिकली बैंक से ना जाए। बट यस, ये इनका राइट है, सवाल सही है इनका। बट हम इसको एड्रेस इस तरह से कह रहे हैं कि हम इसको मना नहीं कर रहे कि हम आपको आगे फ्यूचर ऑफर नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको इस्लामिक बैंक से लिंक कर पाए। बट यस, आज हमारे लिए मकसद ये नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ या जदीद आपको बता रहे हैं कि आप आज इन्वेस्ट करके आने वाले दिनों में जो मार्केट अब तक चल चुकी है, 30-40% स्टॉक्स में पैसे बन चुके हैं, तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन शॉर्ट टर्म के फर्दर 30-40% बन सकते हैं। आप उस पर सवाल ला रहे हैं जिसका इस वक्त कोई तुक नहीं बनता कि इंटरेस्ट रेट आइडल पैसे पे मिलेगा नहीं मिलेगा। उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन निकाल दिया कि जब आपके पास फर्ज करें आपका 10 लाख का अकाउंट है, आपने 10 लाख रुपए के शेयर यहाँ होल्ड किए हुए, आपने कहा मुझे 5 लाख के और परचेज खरीदने हैं, तो आप परचेज कर लें, हम आप फोन करके हमारी टीम, और उसके बाद हम आपको जो है ये फैसिलिटी कर देंगे कि आप कल अगले दिन जो है हम पेमेंट कर दें, और जब आपके पैसे आप भेजते हैं आप हमारे पास से पैसे ले जाएं, जो आपके पैसे होंगे वो आप हमारे पास रहेंगे, तब भी उस पर आपको इंटरेस्ट या इस्लामिक प्रॉफिट मिलता रहेगा, अगर इस्लामिक बैंक में या कहीं और होंगे तो भी मिल जाएगा। तो मसले का हल तो मैं आपको निकाल सकता हूँ कि इस तरह से आपका इशू रिजॉल्व हो जाए, बट हम क्यों नहीं करें, वो हमारे कुछ अपने बिजनेस रीजन हैं जो मैं आपके साथ डायरेक्टली तो शेयर नहीं कर सकता। बट यस, उसकी कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम अभी नहीं करें, बट ये एक अच्छी चीज़ है। हम आने वाले दिनों में अपने कस्टमर को कोशिश करेंगे कि इस्लामिक फंड इस्लामिक बैंक से लिंक करवा सकें, तो उससे उनका भी मसला मकसद हल हो जाएगा और हमारा भी इससे मसला हो जाएगा। बट अभी राइट नाउ वी आर नॉट ऑफरिंग, और ना ही हमारा आज का या कभी का पॉडकास्ट या ये जो सेशन होते हैं इसमें, सॉरी सेशन जो होते हैं इसका मकसद पॉडकास्ट वाली होता है, सेशन का मकसद ये होता है कि हम आपको एजुकेट करें कि आप किस तरह से बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं, किस तरह से अपने रिटर्न्स को इन्हांस कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट पे नहीं, वो तो मेरा आपके साइड बाय साइड का एक क्वेश्चन था, क्योंकि अकाउंट खोलने का मैं सोच रहा था ना, इस वजह से मैंने ये बस क्वेश्चन पूछा था कि आप देते हैं या नहीं देते, वो मेरा नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन सर, चला गया आगे। तो नहीं सही, नहीं सर, अभी 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 ठीक अभी है, वो तो ऑलरेडी भी मेरा एक, वैसे जो बड़े ब्रोकर्स हैं वो तो दे ही रहे होते हैं, पीएलएस अकाउंट में रखे हुए होते हैं। जो ऑलरेडी मेरा ब्रोकर है उसके साथ भी मैं यही काम ही कर रहा हूँ कि मतलब ट्रांसफर कर देता हूँ पैसे और फिर वापस नहीं, मेरे ख्याल अलग से मुझे एक कुछ खरीदना एक होता है, एक लेकिन इसके एक अंदर फिर भी मतलब वो
आप सही है। आप मैं आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ एक ब्रोकर है जैसे मुझे इसका मुझे पता है कि जो आईजीए वाले वो कर रहे होते हैं, बट बाकी सारे कोई और एकेडी वेकेडी ये लोग कहीं नहीं दे रहे होते। मैं एकेडी का भी पता है मुझे, आई थिंक टॉपलाइन का भी पता है कि वो भी नहीं दे रहे होते, और उनके पास तो आरिफ और अभी वो स्टैंडर्ड कैपिटल दोनों ही दे रहे थे। आरिफ भाई का मुझे नहीं आइडिया था, मैंने इसका नाम भी नहीं लिया। एनीवेज वो मतलब ये बाजार में ना प्रैक्टिस वेरी करती है, बट यस मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, एक अच्छी चीज है, आने वाले दिनों में हम इसमें सोच सकते हैं, बट अभी फिलहाल नहीं है। चलो ये थैंक यू सुनीता। रिजवान भाई, एक पीएसओ के बारे में थोड़ा सा बता दें, उस पे क्या व्यू है आपका? यार पीएसओ के बारे में व्यू ये है कि पीएसओ यहाँ से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके साथ भी वही चैलेंजेस है जो थोड़े बहुत सी नॉर्थ और सुझाव के साथ है। उसके चैलेंजेस थोड़े बल्कि उसके चैलेंजेस सिमिलर है पीपीएल और ओटी के साथ के। उसका कैश फ्लो फंसा होता है, और आने वाले दिनों में जो है वो तो ये सर्कुलेटेड वाली चीज रिजॉल्व होगी, आरएनजी की प्राइस वगैरह जो पास ऑन हो पाएगी, उसकी जो प्रॉब्लम है तकलीफें हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व होती है। बट एक और बिगेस्ट चैलेंज जो इसको आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेगा वो ये है कि ये जो है दो तरह की रिफाइनरी में इन्वेस्ट करने जा रहा है। मुझे नहीं पता कैसे करेगा, एक तो ये बिगेस्ट शेयर होल्डर है पाकिस्तान रिफाइनरी का, क्योंकि जो शेल अपना स्टेक पाकिस्तान रिफाइनरी से बेच कर एग्जिट हुआ था वो सारा का सारा स्टेक उन्होंने खरीदा था। तो अब अगर वो स्टेक की वजह से पीआरएल रिफाइनरी लगाता है, राइट शेयर इशू करता है, तो सूरत में इसको पैसे इंजेक्ट करने पड़ेंगे पीआरएल के अंदर। और दूसरा ये है कि जो सऊदी रिफाइनरी आ रही थी उसमें ये था कि पीएसओ तकरीबन जो है 7 बिलियन सऊदी रिफाइनरी अरेंज करेगी और 3 बिलियन जो है पीएसओ अरेंज करेगा, $1 बिलियन। तो आई थिंक दोनों सूरत हाल में स्टॉक बहुत अच्छा है, बट और हो सकता है अर्निंग भी बेहतर हो जाए और कुछ पे आउट भी बेहतर हो जाए। जैसे अभी 7 रुपये 7.5 रुपये तो पे आउट करा है इन हालात में भी, इससे बेहतर हो सकता है पे आउट, बट ज्यादा पैसे जो वो कमा रहा होगा वो सारा का सारा जो है एक्सपेंशन साइड में यूज कर रहा होगा, जिसके जो है बेनिफिट शायद आने वाले सालों में। बट शुरू में शायद लगता है कि कैश फ्लो स्थिरता की वजह से डिविडेंड पॉलिसी अगर हालात बेहतर भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा कंटेल ही रहेगी, इतनी इंकरेजिंग नहीं होगी। ठीक है, सही है। तो रिजवान भी, जो शेल इतनी मूव कर रहे हैं तो उसके पीछे थोड़ा थोड़ा ये भी चलेगा, लाइक जिस तरह अभी पीएसएमसी ने मूव लिया अलग तो उसके पीछे सारे बिल्कुल अलग अलग ऑटोस चल अलग गए हैं। बिल्कुल अलग अलग कंपनी है ये, ऐसे ही है कि आप बोले कि चलिए खैर रिलेवेंट एग्जांपल है, मतलब इसका कोई लेंथ नहीं है आपस में, बेसिकली दोनों एक ही एम्बिट में आती हैं, बट शेल के अंदर हो ये रहा है कि सऊदी अरामको और एक जो सऊदी एक कंपनी है वफाई जो शेल की सऊदी अरब में पार्टनर है वो इंटरेस्टेड है इसको एक्वायर करने में शेल को पाकिस्तान में, उसकी वजह से ये गैप लगाया ये परफॉर्म कर रहा है। और पीएसओ के अंदर स्टोरी है सर्कुलर रेट वाली, दोनों की अलग अलग स्टोरी है। तो अगर कल को एक एक्विजिशन शेल की हो जाती है तो शेल ज्यादा तेजी से परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू पीएसओ, क्योंकि पीएसओ में वो स्टोरी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान भाई, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी पीएसएमसी में न्यूज आई है तो उसके पीछे पूरा ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर गया, उनको भी मुसलसल 2 लॉक्स लग गए हैं। तो इस तरह जिस तरह ये शेल मूव कर रहे हैं उसके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा ये भी चलेगा, लाइक मैं आपको इसमें और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि शेल बेसिकली जो बिक रहा है वो अपनी वैल्यूएशन पे प्राइस अनलॉक होगी, उसकी डील हो रही है इसलिए वो अलग है। कल को पीएसओ भी जो है ऐसा ही सीन है, उसका नाम लिखा हुआ था प्राइवेटाइजेशन में, अगर उसका ना उस पर भी कोई सऊदी इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर वो परफॉर्म कर सकता है शेल के साथ साथ, बट आपस में कोई लिंक नहीं है ना। एक कंपनी दोनों जो ऑटोज पे आपने मिसाल दी उनमें सर्कुलर रेट थोड़ी है, एक दोनों कंपनियां कैश पे गाड़ियां बेचती हैं, गाड़ियां इम्पोर्ट करती हैं और गाड़ियों की डिमांड के हिसाब से गाड़ियां बेचती हैं, बट उनके इनहेरेंट इश्यूज नहीं है ना कि वो जो है पैसे उधार पे देती हैं और पैसे रिसीव नहीं कर सकती हैं, इस तरह की चैलेंज नहीं ना। मतलब एक कंपनी है जिसके कैश फ्लो स्टक हुए हैं जो कि पीएसओ है, दूसरी कंपनी शेल है जिसको कि कैश फ्लो से 1 रुपये भी गवर्नमेंट को उधार ही नहीं है, दोनों को मैं कैसे कंपेयर करूँ? और दोनों की स्टोरी भी डिफरेंट है, एक एक बायबैक होने, एक कंपनी स्टेक बिकने जा रहा है जिसकी वैल्यू अनलॉक होगी, और उसको मैं ये हो सकता है कि वो लोग कहें कि जी 200 अरब 200 रुपए पर शेयर या 250 रुपए पर शेयर फिर शेल बिका है, तो इस हिसाब से जब पीएसओ बिकने पे आएगा तो 500 रुपए का होगा या 600 रुपए का होगा, तो उसकी वजह से डबल हो जाए वो एक अलग बात है, जिसे आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे शेल इतने का बिका है तो सामने जो पेयर कंपेरिजन में ये स्टॉक इतने का बिकना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हमने माजी में देखी
है कि जब भी कभी हमने मोबिलिंक और जेस का मर्जर होता हुआ देखा तो हमने पीपीसी में देखा कि तेजी हो जाती है। वो रीजन ये होती थी कि लोग कहते थे कि अगर आपका मोबिलिंक और जेस की वैल्यू इतनी है तो जूफोन की वैल्यू जो है इसमें इतनी है, तो जब वो बिकेगा या उसकी वैल्यू अनलॉक होगी तो उसकी तो किताबों में इतने का पड़ा हुआ है। बट आज तक कभी उस चीज की रिवैल्यूएशन गेन का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक आध दिन लॉक लगे उसके बाद फिर वो सेटल डाउन हो गया। ठीक है थैंक यू थैंक यू, बहुत डिटेल आंसर दिया आपने। अच्छा रिजवान साहब सलाम वालेकुम, फारूक बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी फारूक ये साहब। मालूम करना था, बैलेंस शीट जब देखते हैं तो उसमें ऑडिटर्स होते हैं ना, मुख्तलिफ ऑडिट कंपनीज होती हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है उसके क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल्स में? बिल्कुल आता है जी। अगर आपके बिग फोर दुनिया में है ही क्यों बिग फोर, तो इसी वजह से है क्योंकि उनकी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो अगर आपके किसी कंपनी का ऑडिटर बिग फोर है तो उस पर आपको ट्रस्ट करते हुए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगा स्टील का बैलेंस शीट देख रहा था कल, तो उसमें हारून जकरिया ऑडिटर था, तो फिर ये मैंने कहा आज मीटिंग भी थी इनकी 14 तारीख को, तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना आना था आज, अब मंडे को अनाउंस होगा शायद, तो उस पर भी आपके कोई व्यू है आगा स्टील पे इस हवाले से? सर आई थिंक अगर आप हमारा पुराना वाला देखें ना, लास्ट वाला, सर जी लास्ट वाले में हमने आगे भी बहुत डिटेल बात की थी, तो जी जोन पे अगर रिकॉर्ड आप नहीं हुई लास्ट थी सर, रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं नहीं हुई थी हो। नो। अच्छा ठीक है, मैं आगे स्टील पे, मेरा ये व्यू है कि आगे स्टील में ना दो चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि आगे स्टील में हमने प्राइजेस जो है ना, आगे स्टील ने अपनी बढ़ाने के अलावा इनके पास डेट बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने अपना स्टेक किसी को बेचा, उसके अगेन जो पैसे नहीं है उससे उन्होंने बेसिकली बलूचिस्तान में जाके माइनिंग कर रहे हैं। पहले सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टील मिल थी जो पत्थर या आयरन और जो रॉ फॉर्म होती है उससे लेती थी, उसको ग्लास फर्नेस में पिघला के उसकी इम्प्योरिटीज हटा के उसको बिल्कुल प्योर स्टील फॉर्म में ला के उसके बिलेट्स बनते थे। फिर बिलेट को जो है ना ये बेचती थी पाकिस्तान स्टील में लेनी स्टील कंपनी को, इससे वो रीहीट करके इसको रीबार बनाते थे। तो ये अब तक का प्रोसेस था। आगा स्टील ने जो है ना एक मीडिया टेक्नोलॉजी लगाई थी जिसके लिए उन्होंने कंपनी लिस्ट कराई थी और 2 अरब रुपए, 2.5 अरब रुपए, 3 अरब रुपए रेस किए थे। उससे क्या करना था कि मीडिया टेक्नोलॉजी ये थी कि जैसे ही आप बिलेट या स्क्रैप है ना, सॉरी स्क्रैप खरीदते हैं लोग, ये भी और अमरेली भी और बागी भी मुगल भी, स्क्रैप आप जो है बाहर से लेकर आएंगे, स्क्रैप को पिघलाएंगे और उसको रिफाइन करने, मतलब उसमें जो भी प्योरिटीज हटा के उसको जब आप बिलेट बनाएंगे तो बिलेट बनाने की बजाय वो डायरेक्टली इसको सांचे में डाल के सरिया बना लेंगे। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट बच गई ना। पहले एक दफा मैंने स्क्रैप से बिलेट बनाया, फिर दोबारा रीहीट किया और उसको मैंने जो है इसको जो है फिर दोबारा से रीहीट करने की मेरी कॉस्ट, फिर मैं उसको सरिया भी बना रहा हूँ उसकी मेरी कॉस्ट, अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, तो उसकी वजह से दूसरा फायदा ये होगा मुझे कि सांचे एक सर्टेन लिमिट के होते हैं, मतलब अगर मुझे 30 मीटर का सरिया चाहिए तो ही मिल सकता है। बट आगा स्टील इस टेक्नोलॉजी के बाद ये है क्योंकि वो जो सामने आपका लावा की तरह मेल्टिंग आयरन ओर गिर रहा है और उससे आप चाहे 100 मीटर का सरिया बना लें चाहे 10 मीटर का बना लें, आपके ऊपर है, तो कट टू ऑर्डर पे बन सकता है, ये फायदा हो गया। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली सरिए को सरिए आयरन ओर से बना रहे हैं तो क्वालिटी आपको मेंटेन रखना आसान होगा, बजाय इसके कि आप जो है उसको कहीं किसी बिलेट की क्वालिटी कुछ होगी, कभी रीहीट होते हुए फर्क आ गया तो स्टैंडर्ड भी ना वेरी कर जाता है, तो इस तो ये फायदा हो जाएगा। तो ये एक तो काम उनका कोविड की वजह से रुक गया, फिर वो कंपनी भाग गई तो उनका वो प्लान लग नहीं सका, वरना इनकी 7-8 रुपए की अर्निंग हो जाती, तो फिर ये डिफॉल्ट हो गए। डेट डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, डेट बहुत बढ़ गया, फिर उन्होंने कंपनी शेयर बेचे, फिर पाकिस्तान ने इम्पोर्ट 6-8 महीने से डॉलर की से बंद की थी, तो इन्होंने जाके माइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया। ये एक तरफ ये काम हो गया, दूसरा इन्होंने इसको अपने स्क्रैप को सिक्योर करने के लिए माइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया कि हम जो है ना बलूचिस्तान में आयरन ओर निकालेंगे और उसी से जो है ना अपना जो है जो स्क्रैप की डिमांड है उसको जो है ना सब्सटीट्यूट करेंगे, बल्कि फ्रेश लोहे से सरिया बनाएंगे जो पाकिस्तान में अभी तक बनता नहीं है, पाकिस्तान स्टील मिल को बंद हुए जमाना हो गया। तो अब जो है ये क्या कर रहे हैं कि फिलहाल आयरन ओर निकालते हैं और उसको उठा के चाइना को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट बैंकों से जाके एलसी खरीद लेते हैं कि हमें इतना स्क्रैप इम्पोर्ट करने दो। बट इनका प्लान ये है कि इन्होंने बेसिकली जो है अपने एक स्क्रैप एक ग्लास फर्नेस लगाया जिससे जो है ये अपना आयरन ओर को यही प्रोसेस करके यही लोहा बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल भी आ गया और माइनिंग का काम भी आ गया। तो इस कंपनी में जान बहुत है, मतलब 10-11-12 रुपए की कंपनी है, शायद 2 सालों में ये कंपनी जो है 7-8 रुपए की अर्निंग दिखा रही होगी, तो ये बहुत ऊपर जा सकती है, बट ये है इसका लेवल।
सर अभी अभी करंटली जो इसका वक्त लगेगा, ये सारे जो आपने बताई चीजें, इसको कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में, एक माइनिंग हो रही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा था 18 महीने जो लगेंगे, 18 महीने लगेंगे। 18 महीने में हो जाएगा। अच्छा सही, ठीक है सर, शुक्रिया सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। हेलो, सलाम वालेकुम रिजवान भाई। सर, बहुत स्लो आवाज है आपकी, थोड़ा तेज हेलो, बोलिएगा। आवाज आ रही है यह बारी बोले जी। मुझे ये दो सवाल पूछने थे, एक तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि सर। नाम सारे आपका, फ्रंट लोग नाम आपका इसराइल नाम है। वीवो, वीवो नाम है। अच्छा इब्राहिम, मैंने कहा वीवो नाम है। उधर शोर है, वो मुझे आता नहीं चलाने इसका। आई थिंक इब्राहिम दो सर, सवाल, ये तो टेक्नोलॉजी सेक्टर मतलब अभी भी सारे सेक्टर में तकरीबन बूम आया, और ये पूरा सेक्टर मतलब बूम तो नहीं है बल्कि नीचे चला गया। आप टीआरजी जैसे, इससे पहले एवियन सिस्टम, और दूसरा एक मुझे सीमेंट सेक्टर में गरीब वाल सीमेंट के बारे में आपको भी चाहिए। जी और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस ये दो सवाल। अच्छा जी, इसमें जो है गरीबाल सीमेंट के अंदर ये है कि हमारे पास जो है अर्निंग वाइज सिटी में 7 से 8 रुपए की हमें लगता है गरीबाल के अंदर अर्निंग आ जाएगी। ये कंपनी भी बहुत सस्ती है, और जब इसके मल्टीपल रेट होंगे तो ये तकरीबन 100% तक का रिटर्न साल 2 साल में आपको दे सकती है। अगर आपको 100% कमाना है और आपका बिलीव है कि सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करेगा तो ये परफॉर्म कर सकता है, और इसके रेट भी बुरे नहीं है। बट मसला ये है कि इस पर वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप इसमें कोई बड़ी क्वांटिटी ले जाएंगे तो एग्जिट थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा बाकी सीमेंट के मुकाबले। ये तो क्या गरीबाल का जवाब। टेक्नोलॉजी के अंदर टीआरजी बेसिकली जो है ना, एक बेसिकली बोगस कंपनी थी। कोविड के बाद जो है लोगों ने टेक्नोलॉजी का बूम आया तो टीआरजी का रेट उठ के 12-13 रुपए से उठ के पहले 100 रुपये हुआ, और फिर उसके बाद 180 रुपये हो गया। लेकिन ये कंपनी करती कराती जो है वो उसके अर्निंग में रिफ्लेक्शन नहीं आती, और इसकी अर्निंग की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी ज्यादातर कंपनी जो है बाहर लिस्टेड है और उसका कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है, तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती यहाँ पर। मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि एफिनिटी ऐसा क्या काम कर रही है जिसकी वजह से अगले क्वार्टर की अर्निंग ज्यादा आएगी या कम आएगी। आपको नहीं पता चलेगा कि जो है जो दूसरी कंपनी है एफिनिटी के अलावा जो है ई टेलीकोट है, या जो है आईबैक्स है, ये ऐसा क्या काम कर रही है जिसकी वजह से इसकी अर्निंग में क्या उतार चढ़ाव आया, आपको नहीं पता चलेगा। इसकी वजह से इसको लोगों ने जो है जब आपका लोगों को नहीं समझ में आया, और इवेंचुअली लोगों ने इसको जब इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं आई तो लोगों ने बेच दिया। जहां तक बात आती है एवेंसियन की, ऑक्टोपस की, जो कि एवेंसियन की सब्सिडी है, आगे से आपका सवाल हो गया शरीर, इनको म्यूट कर दें, आवाज शोषण हो गई है। तो इन जो भी इस कंपनी है, जो ऑक्टोपस है, एवेंसियन है, या जो है आपका सिस्टम है, ये नहीं गिरी। मतलब जिसने जब टीआरजी गिरा तो सिस्टम नहीं गिरा, आपने ये नहीं हाईलाइट किया कि सिस्टम उस दिन प्लस था। तो जो कंपनियां प्रॉपर बिजनेस कर रही हैं, जिनका बिजनेस बहुत साउंड है, बहुत रोबस्ट बिजनेस है, जो पिछले 5 सालों में अच्छा एक कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ करता रहा है, उन बिजनेस में कभी भी इस तरह की आपको शार्प अपसाइड अपसाइड और डायरेक्ट डाउन साइड नहीं दिखेगी। सिस्टम हो गया, एवेंसियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इनकी अर्निंग्स कम हो सकती हैं बट आई थिंक बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह की कंपनी नेटसोल, इसकी भी अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत अजीब सी होती है। तो कभी तो वो जो है 300 रुपये होती है और कभी 100 रुपये होती है। तो ये अगर आप दो कंपनीज को हटा दें तो बाकी जो तीन कंपनी है, सिस्टम, एवेंसी और ऑक्टोपस, टेक्नोलॉजी स्पेस में वो अच्छा काम कर रही है। और गरीब वाले का जवाब मैंने आपको दे दिया था। हेलो हेलो रिजवान भाई। जी, हाँ बोलिए। जी, मैं बेसिकली पाकिस्तान रिफाइनरीज का पूछ रहा था कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। अभी 18 को, आई थिंक 17 या 18 को इसकी मीटिंग है, तो रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट की बेस के ऊपर ये जा सकते हैं इसकी अर्निंग्स वगैरह की, अर्निंग्स वगैरह वैसे कैसी आ रही हैं, और आपको क्या लग रहा है तकरीबन इसका? 4 से 4.5 रुपए की एंडिंग आ रही है, रेट परफॉर्म कर सकता है, बट आगे मुझे लगता है कि रिफाइनरी में तो बहुत ज्यादा जूस नहीं है, खासतौर पर पीआरएल वगैरह पे। पीआरएल में सही है, पीआरएल एटीआर मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, इनमें अर्निंग भी है। ईशा, हमने अपने लास्ट वाले पॉडकास्ट में एटीआर और पीआरएल की ही बात की थी, और वहां से चल भी गए थे, चल भी रहे हैं अभी। तो आई गेस पीआरएल आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है ये है कि और मार्जिन अभी अच्छे हैं, अभी तक 17-18 डॉलर के मार्जिन चल रहे हैं, तो एटीआर परफॉर्म कर रहे हैं और पीआरएल परफॉर्म कर रहे हैं, अर्निंग अभी तो ठीक आएगी।
ये है कि अगर एक्सपेंशन करने आगे जाते हैं तो ATRL बेहतर है, PRL के पास तो वैसे ही कैश नहीं है, तो फिर ये इतनी बड़ी एक्सपेंशन कैसे करेगा, उसके लिए तो उसको फिर कैश रोकना पड़ेगा, चीजें रोकनी पड़ेगी। प्योर प्योर नहीं है, बाकी अर्निंग तो अच्छी आएगी, 4-8 हज़ार रुपये की अर्निंग आ सकती है। कैश नहीं है, आप क्या कह रहे थे? आपकी बात सॉरी थोड़ी सी समझ नहीं है, कट गई थी। 1.5 बिलियन डॉलर की मैं एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए 1.5 बिलियन डॉलर बनता है, तकरीबन कोई 300 अरब रुपए, 300 अरब रुपए नहीं है इनके पास। सही। अच्छा, ये वैसे थोड़ा सा जनरल सा ही सवाल था, ये फूड सेक्टर के बारे में। जैसे मैंने आपसे अभी एग्रो फूड का भी पूछा था, तो जैसे कोलगेट है, कोलगेट भी अभी इस टाइम जिस प्राइस ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कोई 30 की प्राइस ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या चक्कर है इतने ज्यादा? मतलब जैसे अभी एग्रो फूड को भी देख लें, ये जो 17-18 पे चल रहा है, तो इसकी क्या रीजन है कि इनकी अर्निंग तो फूड सेक्टर की कोई इतनी खास नहीं होती है? तो एक्चुअली होता क्या था कि अगर आप 2008 से लेके डेटा निकालें और मैट्रिक्स को मैच करें ना, तो फूड कंपनी में होता क्या है, या यूनिलीवर और नेस्ले में, कि ये अपनी 4 साल के बाद ना सेल डबल कर लेती है। तो ये कंपनी हायर मल्टीपल पे इसलिए ट्रेड करती है, और खासतौर पर जो मल्टीनेशनल कोलगेट और ये नेस्ले फार्म और ये यूनिलीवर की, जब 4 साल में सेल डबल हो गई, तो अगर मेरे पास 50 का मल्टीपल भी है, सेल डबल हो गई तो मेरा तो मल्टीपल नीचे आ गया ना, तो मुझे 50 के मल्टीपल में भी चीज़ महंगी नहीं लगती है। अब मुझे कोलगेट का नहीं पता, मेरे हर कंपनी का तो खैर बिल्कुल 100% आइडिया नहीं हो सकता, बट कोलगेट का कि वो इतने हायर मल्टीपल पे क्यों चलती है, उसका उसकी अर्निंग सस्टेनेबल इसी तरह से हो कि मुझे अपनी अर्निंग्स को जाना हर 4 साल के बाद डबल कर ले, या फ्लोट ना अवेलेबल हो। अब दूसरा ये कि कोलगेट, नेशनल फूड, नेस्ले, यूनिलीवर, हम नेटवर्क, जब भी गुरा आपके मुल्क में दोबारा से बायर होगा, ये सारी कंपनी को खरीदेगा, तो आई थिंक इस वजह से भी इनके मल्टीपल हायर होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी प्रोग्राम के स्टार्ट में कि हेलियो ने एक जमाने में जब वो गैलेक्स GSK CH होता था, कंज्यूमर हेल्थ केयर, तो मैंने खुद 5-10 रुपए की अर्निंग 500 रुपए का रेट देखा। तो गोरा बेसिकली इस तरह की कंपनी ढूंढता है कि जो मल्टी नेशनल हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो, और जो है जो उसको जो है अगर वो सस्ते मल्टीपल में मिलती है तो वो ले जाता है, क्योंकि उस जो डेवलप मार्केट है वहां पर स्टॉक के मल्टीपल 50-50 भी होते हैं, और सस्टेनेबल बेसिस पे 50 के मल्टीपल पर कंपनियां ट्रेड करती होती है, तो उसके हिसाब से सस्ती होती है ये चीजें, तो वो ले रहा होता है। अब मेरे पास की और कोई नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये कॉलगेट की मल्टीपल 28 क्यों और ये 28 क्यों रहना चाहिए। सही सही, थैंक यू। सही रिजवान भाई, मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए तो मेरे ख्याल से सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग, फॉर बीइंग हियर, फॉर सेम यार, सेम यार। आई थिंक आप बीइंग। आपकी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है पूरे सेशन में। आवाज थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई बंडल, थैंक इट वाज मियर रियली अ ग्रेट सेशन। नहीं सब।